आज मैं आपको आधुनिक भारत में कुछ विचारधाराएं पढ़ाने वाला हूँ। कुछ विचारधाराएं आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेज आए और समय समय पर उनकी पॉलिसी चेंज होती रही, पॉलिटिकल चेंज करते रहे, तो वो कैसे हुआ उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी कि आइडियोलॉजी को पॉलिटी से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो समय समय पर कुछ विचारधाराएं जो थी ब्रिटिशर्स की, जो उनके दृष्टिकोण थे, दृष्टिकोणों में बदलाव आता गया। शुरू में कुछ और दृष्टिकोण था, बाद में कुछ और दृष्टिकोण हो गया, और उसके बाद कुछ और दृष्टिकोण हो गया। जब आइडियोलॉजी कोई काम करती है ना, तो उसी से ही पूरी पॉलिटिक्स चलती है। देखा जाए तो जितनी भी राजनीति होती है या जो भी गवर्नेंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं पर आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स की विचारधाराएं पढ़ने जा रहे हैं कि समय समय पर यूरोप में जो विचारधाराएं उठी, उनका प्रभाव भारत तक दिखा, भारत में भी उनका प्रभाव आया, कैसे हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गया अचानक से, है ना, कैसे भारत में प्रजातीय श्रेष्ठता का विचार आ गया, कैसे शुरुआत में प्राच्यविद विचारधारा थी, फिर आंग्लविद विचारधारा आ गई, और फिर इसके बाद प्रजातीय श्रेष्ठता की विचारधारा आ गई। तो तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं जो दृष्टिकोणों पे हम बात करेंगे। पहला है दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण और तीसरा दृष्टिकोण। तीन दृष्टिकोण हैं, ठीक है, अंग्रेजों की विचारधाराओं में। इसको कुछ ऐसे करते हैं, तीन अप्रोचेस को लेकर के हम पूरी पॉलिटी को समझने का प्रयास करेंगे इनकी। प्रारंभ में 1772 से जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब से इसको हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। 1772 से आप देखेंगे एक अलग प्रकार का अप्रोच देखने को मिलता है। कब तक? 1813 तक। यहाँ पे दृष्टिकोण वन है, अब इसको मैं बताऊंगा, दृष्टिकोण एक। 1813 से 1857 तक में एक दूसरा दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यहाँ पे इनका अप्रोच चेंज हो जाता है, विचारधाराएं चेंज हो जाती हैं। और देखा जाए तो इस वाले इरा का प्रभाव बहुत बड़े स्तर पे आज भी देखने को मिलता है। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद दृष्टिकोण बदल जाता है, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है इनकी। तो तीन दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं पूरे ब्रिटिश शासनकाल में, तीन अप्रोच देखने को मिलते हैं। इनको समझाने का प्रयास करूंगा, और आप लोगों को आज मैं आंग्लविद प्राच्यविद विवाद पढ़ाऊंगा, और मैकालिक शिक्षा पद्धति और भारत की शिक्षा नीति, इसके बारे में भी कुछ हम चर्चा करेंगे। इससे आप समझ पाएंगे कि समय समय पर जो बदलाव आए, वो बदलाव क्यों आए, बहुत अच्छे से समझेंगे इस विषय वस्तु को समझने के बाद। यहाँ पर जो दृष्टिकोण है, इसको बोलते हैं प्राच्यविद, प्राच्यवादी विचारधारा है, ठीक है। कौन कौन इसके जनक हैं, या यूरोप में इनका प्रभाव था तब ये विचारधारा भारत में थी। और 1772 से 1813 तक के जितने भी गवर्नर जनरल आए, ये सभी प्राच्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, ठीक है। 1813 से 1857 तक देखा जाए तो कई विचारधाराओं का समूह है, मैं कुछ विचारधाराएं आपको लिखूंगा। जैसे एक, इसको बोलते हैं आंग्लवादी, आंग्लवादी विचारधारा। अब आंग्लवादी विचारधारा में कई विचारधाराएं हैं, एक दो विचारधाराएं नहीं है, इसमें कई विचारधाराओं का समूह है। जैसे कि पहला विचार निकल के आया यहाँ से, 1813 के चार्टर एक्ट में ही देखने को मिलता है कि फ्री ट्रेड चालू हो जाता है, मुक्त व्यापार चालू हो जाता है, यानी कंपनी के मोनोपोली को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला तो विचार निकल के आता है मुक्त व्यापार चिंतन निकल के आता है, लेसेस फेयर जैसे सिद्धांत निकल के आते हैं, ठीक है। यूरोप में जेरेमी बंथम, नाम सुना होगा जेरेमी बंथम का आपने, जेरेमी बंथम, जे एस मिल जैसे बड़े बड़े थिंकर्स का जन्म होता है, और इनके द्वारा मानवीय प्रसन्नता, मानवीय सुख को प्रमुखता दी जाती है, है ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की अवधारणा को जन्म दिया जाता है। तो एक नई प्रकार की विचारधारा निकल के आती है जिसको बोलते हैं उपयोगितावाद, उपयोगितावाद, ठीक। इसी समय आपने 1813 के चार्टर एक्ट में देखा था कि ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति दे दी गई। तो एक नए प्रकार का वर्ग वहां पे जन्मा यूरोप में, जिसको बोलते हैं चर्च समूह, ठीक है, इसको चर्च समूह या
चर्च समूहों का काम क्या था? ये बहुत बड़े स्तर पे डेवलप हुए, एक बार इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई या जितने भी जनजाति और आदिवासी विद्रोह हुए, इनका बहुत बड़ा रोल है चर्च समूहों का। इनका काम था, इनका कहना था कि भारत का जो पिछड़ापन है या विश्व में जो अन्य देश हैं जो पिछड़े हुए हैं, उसका मूल जो रीज़न है उनके धर्म पर निहित है, उनका धर्म पिछड़ा हुआ है। और ईसाई धर्म को की श्रेष्ठता को इन्होंने स्थापित करने के प्रयास से हर जगह पे विभिन्न प्रकार के इन्होंने प्रचार प्रसार किया और मिशनरीज बन के ये भारत में आए। ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके क्या विचार है, मैं एक सेपरेट आपको पढ़ाऊंगा। इसी में एक और नए प्रकार का विचार आता है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा। तो आंग्लवादी जो विचार, इसमें चार प्रकार की विचारधाराओं का प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, इसके बाद जब 1857 की क्रांति हो जाती है, अब देखो, अब आप खुद सोचो, एक विचार ये है, एक विचार ये है, अवधि अलग अलग है। जब ये विचार और ये विचार दोनों आपस में, जैसे इस विचार के बाद ये विचार आएगा, तो इन दोनों में विवाद होगा, है ना, आपस में मतभेद होंगे। तो इनके बीच में एक विवाद भी है, बड़ा फेमस विवाद है, जिसे आंग्लविद प्राच्यविद विवाद भी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का जन्म उसके बाद ही होता है। तो एक यहाँ पे आपका चिंतन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, सिंपल और आसान भाषा में आइडियोलॉजी को हम पॉलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। किस प्रकार की नीतियाँ इस दौरान बनी, रीज़न क्या था इसके पीछे, एक आइडियोलॉजी। इस समय कौन कौन सी नीतियाँ बनी, उसके पीछे रीज़न क्या था, आइडियोलॉजी, है ना। इस समय क्या नीतियाँ बनी, इसके पीछे रीज़न था आइडियोलॉजी, बस ये पढ़ रहे हैं। इस दौरान दृष्टिकोण तीसरा, यानी कि जब क्राउन का शासन आया, इसको हम आसान भाषा में कहें तो इसको नाम दिया जाता है विक्टोरियाई उदारवाद। महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरियाई उदारवाद। ये उदारवाद क्या कहता है? विक्टोरियाई उदारवाद प्रजातीय श्रेष्ठता के विषय को उठाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे विचार निकल के आए, प्रजातीय श्रेष्ठता में बहुत सारे विचार हो सकते हैं। जैसे पहला विचार लेकर आए स्वायत्त नस्लवाद, यहाँ से जन्म हुआ स्वायत्त नस्लवाद का, स्वायत्त नस्लवाद, यहाँ से जन्म हुआ स्वायत्त व्यक्ति पर भार। ये शब्द भी आपने सुना है कई बार, इसको भी आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, स्वायत्त व्यक्ति पर भार। ठीक है, तो इस समय, अब ये लगातार चलता रहेगा 1947 तक, ये विचारधारा प्रभावी रहेगी। तो इस समय आप देखते हैं कि 1813 से 1857 के बीच डलहौजी भी आया था, इसी दौरान लॉर्ड विलियम वेंटिंग भी आया था। तो वेंटिंग के द्वारा बहुत सारे कानून पारित किए गए, वो कानून जितने भी थे, तो कहीं ना कहीं पे इनका प्रभाव था उपयोगितावादी, जैसे वेंटिंग उपयोगितावादी था, है ना, लॉर्ड डलहौजी उदारवादी था, ब्रिटिश उदारवादी में आता, उसने भी बहुत सारे कानून बनाए, हर क्षेत्र में काम किया, वेंटिंग ने भी हर क्षेत्र में काम किया, तो एक आइडियोलॉजी के थ्रू काम किया। अभी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, ये बना लीजिए, लिख बनाना चाहिए था आपको, है ना, ये साथ साथ जितना भी मैं कम से कम ग्राफिंग करूँ ना, मोटा मोटा इसको जरूर करना है, इससे क्या होगा आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। लिखिए, पहला आप लिखिए, हेडिंग डालिए प्राच्यविद। पहले एक एक विचारधारा को समझते हैं। पहली विचारधारा है प्राच्यविद विचारधारा, प्राच्यविद विचारधारा, प्राच्यविद विचारधारा। अब इन्होंने क्या क्या किया आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको कि प्राच्यविदों ने इसी आधार पे काम किया जो इन्होंने पॉलिसी बनाई। पहला काम इनका, पहला लिखिए, फर्स्ट इन्होंने किया भारतीय परंपराओं का अध्ययन और उसका ज्ञान प्राप्त किया। देखो नाम से ही लगता है प्राच्यविद, यानी कि ये क्या चाहते थे, देखिए आप समझते हैं पहले, फिर लिख लेना। ये चाहते थे भारत के अतीत को भारत की परंपराओं को जोड़कर ब्रिटेन की परंपराओं को आपस में जोड़ देना। यानी कि ये नहीं चाहते थे कि पाश्चात्य सभ्यता को भारत में लाद दिया जाए, ये चाहते थे कि भारतीयों की जो परंपराएं, भारतीयों को जिस शिक्षा पद, जैसे कि संस्कृति और लैटिन में समानता दिखाना कि लैटिन और संस्कृति दोनों प्राचीन भाषाएं हैं और दोनों का वही
जैसे संस्कृत विद्यालयों का की स्थापना कराना, जोनाथन डंकन का नाम सुना होगा आपने, जैसे मदरसों की स्थापना कराना। इन्होंने किसी प्रकार से छेड़कार, ये चाहते थे कि भारत में हम शासन करें, ये बात सही है, लेकिन भारतीयों की परंपराओं को हम ना छुए, ये प्राच्यविदों का मूल रोल था, मूल सोच था। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी भारतीय ग्रंथ थे उनका अनुवाद कराया इंग्लिश में, समझ रहे हैं। और जैसे मनु स्मृति का अनुवाद कराया गया, जैसे रामायण का, जैसे महाभारत का, जितने भी ग्रंथ थे, वेद उपनिषद पुराण सबका इन्होंने अनुवाद कराना शुरू किया। तो इन्होंने भारत के परंपराओं को नहीं छुआ। लेकिन ये जब आए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारतीय पिछड़े हुए हैं पूरे विश्व से, और इस पिछड़ेपन के कारण उनकी कुछ नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, उनकी रूढ़ियां, उनकी परंपराएं, उनका अतीत है। उन्होंने कहा कि भारत का अतीत अंधकारमय है, आपके अतीत में कुछ नहीं रखा हुआ है, मुगल काल से तुलना करना चालू किया। और उन्होंने कहा कि भारत के जो नियम कानून है वो रूढ़िगत इतने कि मानवाधिकारों की भी रक्षा नहीं करते हैं। तो फिर जा करके उन्होंने बहुत सारे कानून बनाने चालू किए, और ऐसे कानून जो भारतीय परंपराओं को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकते हैं। ठीक है, आप सब देखेंगे, पहले जो भी था हमारे यहाँ पे वो सारी नीतियाँ सारी रूढ़ियाँ खत्म कर दी इन्होंने इस अवधि में, शिक्षा पद्धति भी खत्म कर दी। ठीक है, तो एक एक करके पहला लिखिए, भारतीय परंपराओं का अध्ययन और ज्ञान किसने किया, प्राच्यवादियों ने। प्राच्यवादियों का ये उद्देश्य था भारतीय परंपराओं का अध्ययन और ज्ञान, पहला काम ये किया इन्होंने। दूसरा, इनका मानना था कि इसके माध्यम से ही बेहतर शासन किया जा सकता है। सही मानना था कि गलत मानना था, सही मानना था। अच्छा, इनका मानना था कि इसके माध्यम से ही बेहतर शासन किया जा सकता है। इन्होंने भारतीयों की परंपराएं बनाए रखने पर बल दिया, इन्होंने भारतीयों की परंपराओं को बनाए रखने पर बल दिया। उदाहरण के तौर पर भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली को ही बनाए रखा, उदाहरण के तौर पर भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली को बनाए रखा। प्राच्यविद पाश्चात्य आदर्शों के आधार पर, प्राच्यविद पाश्चात्य आदर्शों के आधार पर, पाश्चात्य आदर्शों के आधार पर भारत में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे, भारत में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे। इन्होंने भारत के अतीत को पश्चात अतीत से, इन्होंने भारत के अतीत को पश्चात अतीत से जोड़कर उसके बीच संबंध स्थापित करना चाहा, उसके बीच संबंध स्थापित करना चाहा। उदाहरण के तौर पर संस्कृत और लैटिन जुड़ी हुई भाषाएं थीं, और इन्हीं के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखा। अगला पॉइंट, और इन्होंने क्या कहा, प्राच्यविदों ने ही कहा था कि हम भी आर्य हैं, आप भी आर्य हो, दोनों एक हैं, आप भी आर्यों की संतान, हम भी आर्यों की संतान। तो जब दोनों एक पिता की संतान है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है,
ठीक है। तो इन्होंने आर्य मूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने? प्राच्यविदों ने। प्राच्यविद ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों के मन में किसी भी प्रकार से हमारे प्रति अविश्वास का जन्म हो, अविश्वास नहीं ये विकसित करना चाहते थे, और इस कारण से ये मूल थ्योरी लेकर के आए। तो लिख लीजिए अगला, इन्होंने आर्य मूल के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, इन्होंने आर्य मूल के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, इन्होंने आर्य मूल के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और इसी के माध्यम से, और इसी के माध्यम से यूरोप और भारत को आपस में जोड़ने का प्रयास किया, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये थे प्राच्यवादी। अब इन्होंने किया क्या क्या, थोड़ा सा इनके कुछ काम लिख लेते हैं, 4-6 एग्जांपल हमारे पास होने चाहिए कि इन्होंने किया क्या काम क्या। इसमें कुछ लोगों के, एक दो लोगों के नाम लिख लीजिए, नाम अभी मैं बाद में लिखवाता हूँ, जब विवाद लिखाऊंगा तब लिखवा दूंगा। पहला लिखिए, अभी इन्होंने क्या क्या किया, एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी दूंगा, घर से लिख के लाना आप लोग। काम, इनके कार्य क्या थे, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करवाई गई, दूसरा पॉइंट, जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई गई, अगला पॉइंट, सर विलियम जोन्स, नाम सुना होगा आपने इनका, सर विलियम जोन्स के द्वारा क्या हुआ, क्या किया था इन्होंने, एक संस्था बनाई थी, क्या नाम था संस्था का? हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, लिख लीजिए। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, आपने देखा लॉर्ड बिलेजली के टाइम पे ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि भारतीयों का प्रशिक्षण भारत में ही होगा, लेकिन फोर्ट विलियम फिर बाद में आंग्लविद जब आते हैं तो उस विचारधारा ने, यदि मान लो प्राच्यवादी विचारधारा ही रहती तो भारतीय संस्कृति आज जिंदा रहती, प्राचीन नहीं होती, हम आधुनिक होते, लेकिन हमारी संस्कृति, चाइना की संस्कृति नहीं देखते आप, चाइना अपनी भाषा को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपने पहनावे को, अपने बोलचाल को, अपनी भाषा, सब को जिंदा रखा है, यहाँ तक कि उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा, उसकी सब कुछ। चाइनीज प्रोडक्ट देखिए, कहीं पर भी भारत के प्रोडक्ट देखिए और चाइना के, भारत के किसी भी प्रोडक्ट में आपको हिंदी का नहीं कुछ भी मिलेगा, सब इंग्लिश में मिलेगा, चाइना में कोई भी प्रोडक्ट होगा चाइनीज में जरूर लिखा होगा, इंग्लिश में हो सकता है ना लिखा हो, ये भी हो सकता है, समझना हो समझिए, नहीं समझना नहीं समझिए, तो ये अंतर है दोनों में, दिखता है क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे आंग्लविद विचारधारा जाके आगे जाके बहुत प्रभावी हो जाएगी, और उस विचारधारा ने भारत के जितने भी कानून बने, जितने भी नियम बने, सब चीज़ों में इसी को है ना तहस नहस कर दिया, जितनी भी हायर एजुकेशन थी सबका मीडियम इंग्लिश बना दिया गया, और खुद सोचो जब हायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी तो फिर आपको बच्चे को प्रारंभ से ही इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे चल के उसका मुकाबला उसी से होगा, नहीं तो यदि हायर एजुकेशन हमारी इंग्लिश में नहीं होती, संस्कृत में होती, हिंदी में होती, सब कुछ में होती, तो क्या होता, बीटेक करना है इंग्लिश में ही करोगे आप, एमबीए करना है इंग्लिश में ही करोगे, आज भी वो मीडियम नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको, जुडिशरी में आपको लॉ करना है, कुछ भी करना है इंग्लिश में ही होगा, जुडिशरी का वार्तालाप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही होता है, पूरा वर्क जितना भी होता है, तो ये जब सारा सिस्टम बना तो फिर आपका प्राइमरी और है ना वो भी जाकर इंग्लिश मीडियम पे ही जाकर टिक गए, तो पूरा ये जितना भी कारनामा है इनकी देन थी। इसमें मैं आपको मैकाले की पूरी सोच बताऊंगा कि मैकाले ने क्या सोच करके चीज़ें कही। ये मुद्दा नहीं है कि इंडिया, अंग्रेजी एक वैश्विक लैंग्वेज है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारी जो भाषा थी उसको पूरी तरीके से तहस नहस किया गया, ठीक है, शायद हो सकता था कि हिंदी भी एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, 1800 एडी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई,
1800 एडी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य प्रशासकों को भारतीय परंपराओं से प्रशिक्षित कराना है, जिसका उद्देश्य प्रशासकों को भारतीय परंपराओं से प्रशिक्षित करना है। जिसका उद्देश्य प्रशासकों को भारतीय परंपराओं से प्रशिक्षित करना है। अगला पॉइंट, चार्ल्स बिल्किन द्वारा भगवद गीता का अनुवाद किया गया इंग्लिश में, यानी कि भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करके उनका ज्ञान विश्व में भी प्रचारित करना शुरू किया गया। चार्ल्स बिल्किन द्वारा भगवद गीता का अनुवाद किया गया, चार्ल्स बिल्किन द्वारा भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अगला पॉइंट, विलियम जोन्स द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। तो अब तो जाकर के मनुस्मृति के बहुत सारे पक्ष प्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि वो रूढ़गत परंपराओं में जो सोशल जस्टिस है उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन एक समय था कि मनुस्मृति के हिसाब से ही हमारे रूल एंड रेगुलेशंस थे, विधि कानून उसी के हिसाब से चलता था, लेकिन सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए वो अप्रभावी ग्रंथ है, भारत का संविधान उसके ऊपर डोमिनेंट करता है। ठीक है, तो विलियम जोन्स द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद कराया गया। इस प्रकार प्राच्यवादी रोमानीवाद में, प्राच्यवादी रोमानीवाद में जुड़कर भारतीय परंपराओं का बृहद अध्ययन करने लगे। रोमानीवाद का मतलब होता है अतीत में जाना, भारत के अतीत में जाकर उसका अध्ययन करना, इसे रोमानीवाद कहते हैं। ठीक है, अतीत में जाने का दृष्टिकोण, इसे रोमानीवाद कहते हैं। ठीक है, तो रोमानीवाद में जाकर के, ठीक है, ये हो गया प्राच्यविद के बारे में आपने कुछ जाना। अब इसी दौरान जब प्राच्यविद विचारधारा भारत में विकसित हो रही थी, एक नए प्रकार की विचारधारा का जन्म हुआ, कहाँ पर? ब्रिटेन में। रीजन क्या था? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी कारण से। पहली चीज रिनॉन्सा, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को आसान भाषा में समझाऊं तो तर्क का काल, विवेक का काल, है ना, हर चीज पे तर्क, साइंस का उदय होने लगा। बाइबिल में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई थी जो विज्ञान से सर्वसम्मत नहीं थी, तो उसको लेकर भी तर्क करना शुरू कर दिया गया। आपने सुना होगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को लेकर के जो पूरा विवाद शुरू हुआ, वो तर्क और विज्ञान ने ही शुरू किया। गैलीलियो जैसे लोग वहां पर पैदा हो गए, ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने विज्ञान के माध्यम से चीजों को दिखाना शुरू कर दिया। प्रमाण का काल, तो रिनॉन्सा आया वहां पे, और रिनॉन्सा के बाद जो है वहां पर एक नए प्रकार का, जिसको बोलते हैं प्रबोधन काल, है ना। प्रबोधन काल में ऐसे ऐसे थिंकर्स का जन्म हुआ जिन्होंने मानव के सुख को सर्वोच्च माना, मानवाधिकारों को सर्वोच्च माना, जैसे कि आपका जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, है ना, जैसे कि रूसो, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स आ गए, कांट, बहुत सारे थिंकर्स आ गए जिन्होंने मानवाधिकारों पर बल देना शुरू कर दिया। ये अवधि थी आपकी, और इसी दौरान औद्योगिक क्रांति हो गई ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति से कच्चा माल का उत्पादन, कच्चे माल से निर्मित माल का उत्पादन होने लगा, अधिशेष बचने लगा, विश्व को बाजार चाहिए था, वो बाजार इससे मिल सकता था, लेसेस फेयर के सिद्धांत से, मुक्त व्यापार चिंतन से। तो कौन आए? एडम स्मिथ जैसे विचारक आ गए। ऐसे बहुत सारे विचारकों का जन्म हो गया और इनके द्वारा बुक्स लिखी गई, और उन बुक्सों का जब प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ तो जाकर पॉलिसी यहाँ पे चेंज हो जाती है। ये पॉलिसी भारत तक भी पहुंची, विश्व में तो हर जगह पहुंची, भारत में भी आ गई। अब इनके बीच में आपस में विवाद हो गया। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऐसा करवाता हूं कि एक एक करके आप ये विचारधाराएं लिख लीजिए। आंग्लवादी विचारधारा कोई एक विचारधारा नहीं है, इसमें बहुत सारी विचारधाराओं का समन्वय है। ठीक है, तो एक एक विचारधाराएं पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर दोनों के बीच का विवाद, मैकाले थ्योरी, विप्रवेशन का सिद्धांत, वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले लिखिए मुक्त व्यापार चिंतन। अगली सोच है, ये आंग्लविद के अंतर्गत आएगी, लिख लीजिए मुक्त व्यापार चिंतक। लिखिए इसमें, यह आर्थिक हस्तक्षेप
यह आर्थिक हस्तक्षेप के दृष्टिकोण से जुड़ा था, लेसेस फेयर। यह आर्थिक हस्तक्षेप के दृष्टिकोण से जुड़ा था। ये आंग्ल आदर्शों में आस्था रखते थे, ये आंग्ल आदर्शों में आस्था रखते थे। आंग्ल मतलब अंग्रेजी या पाश्चात्य, कुछ भी समझ सकते हैं। आंग्ल आदर्शों में या पाश्चात्य आदर्शों में आस्था रखते थे। ये भारत में भी आंग्ल आदर्शों के आधार में ही परिवर्तन करना चाहते थे। ये भारत में आंग्ल आदर्शों के आधार पर परिवर्तन करना चाहते थे। इनके परिवर्तन का मुख्य दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है। क्या हुआ, छूट गया? कहाँ पे है? हाँ, पूरा शुरू से। हाँ, थर्ड कौन सा है? यह भारत में आंग्ल आदर्शों के आधार पर परिवर्तन के समर्थक थे या करना चाहते थे। आंग्ल, इनके परिवर्तन, मैंने बताया ना मेरे पास सिर्फ पॉइंट होते हैं, सेंटेंस में भूल जाता हूँ। इनके परिवर्तन का मुख्य दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है। इनके कहाँ पे रह गए? हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है। इनका दृष्टिकोण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कैसी हो जाए, अब मुक्त व्यापार की, फ्री ट्रेड पॉलिसी हो जाए, यहाँ पर भी बाजार की शक्तियों का ही बाजार में, अर्थव्यवस्था में प्रभाव हो जाए। नेक्स्ट, ताकि भारत में ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके, ताकि भारत में ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके, भारत में ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके। ये तो थे एक टाइप के, ठीक, ये टाइप वन हो गया। इसी में दूसरा टाइप आंग्लविद में लिखे, चर्च समूहों का प्रभाव, चर्च लिखे, चर्च दृष्टिकोण। अगला विचारधारा है चर्च दृष्टिकोण, अगली विचारधारा है चर्च दृष्टिकोण। लिखे, यह चर्च का समूह था। पहला पॉइंट इसमें लिखे, यह चर्च का समूह था, यह चर्च का समूह था। दूसरा पॉइंट, यह आंग्लवादी विचारधारा से प्रभावित था, यह आंग्लवादी विचारधारा से प्रभावित था। इनके अनुसार भारत के पिछड़ेपन की समस्या, इनके अनुसार भारत के पिछड़ेपन की समस्या भारत का धर्म है। इनके अनुसार भारत के पिछड़ेपन की समस्या भारत का धर्म है। अगला पॉइंट, इस प्रकार ये ईसाई आदर्शों का प्रचार करना चाहते थे, इस प्रकार ये ईसाई आदर्शों का प्रचार करना चाहते थे। इनके अनुसार भारतीयों के विकास के लिए, इनके अनुसार भारतीयों के विकास के लिए इन्हें धर्म के बंधनों से मुक्त करना होगा। इनके अनुसार भारतीयों को भारतीयों के विकास के लिए इन्हें धर्म के बंधनों से मुक्त करना होगा और इन्हें ईसाई धर्म की ओर ले जाना होगा, और इन्हें ईसाई धर्म की ओर ले जाना होगा। भारत में, अगला पॉइंट, भारत में ब्रिटिश शासन का भी यही उद्देश्य होना चाहिए, भारत में ब्रिटिश शासन का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। भारत में ये चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन का भी यही दृष्टिकोण बन जाए कि भारतीयों के धर्म को परिवर्तित कर दिया जाए,
भारत में ब्रिटिश शासन का भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए। इनके दबाव के कारण ही 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश या ईसाई प्रचारकों का भारत में प्रवेश संभव हुआ है ना। एक प्रावधान था ना कि ईसाई जो है भारत में जा करके अपने मिशनरी कार्य को कर सकते हैं, भारत में जा करके वो प्रचार धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो ये इन्हीं का दबाव था, चर्च समूहों का। तो ये दूसरे प्रकार की विचारधारा हो गई। तीसरे प्रकार की विचारधारा लिखे उपयोगितावादी। उपयोगितावाद एक फिलॉसफी है, आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। आसान भाषा में इसको समझना है तो एक लाइन में इसको समझ जाएंगे जो लोग समझना चाहेंगे। उपयोगितावाद का मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। समझे बात को कि नहीं समझे? कोई भी चीज़ है उससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं आसान भाषा में यहीं पे और समझाता हूँ क्लास में। मान लीजिए ये एसी है, एयर कंडीशनर है, हो सकता है कि इसको एक आदमी ही इसका सुख भोगे, लेकिन उपयोगितावादी विचारधारा से यदि कोई प्रेरित होगा वो चाहेगा कि बाकी लोग धूप में क्यों बैठे वो भी आ जाए, वो 10 लोगों को, 15 लोगों को, 50 लोगों को। यानी कि इसमें ये होता है इस विचारधारा में कि ज़्यादातर लोग जो है, तो ये विचारधारा यूरोप में विकसित हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचे, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा वहाँ पे आ चुकी थी मुक्त व्यापार चिंतन के कारण। और इस विचारधारा ने क्या कर रखा था, मोनोपोली बना रखी थी। किस चीज़ की? कि सिर्फ और सिर्फ जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वही व्यवस्थाओं का सुख भोगेगा। पूंजीवाद में होता भी यही है, जिसके पास पैसा है वही सुख भोगता है। लेकिन उपयोगितावादी दर्शन ने इसको चेंज कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है जेरेमी बेंथम के द्वारा। जेरेमी बेंथम का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य सुख की चाह करता है और अपने जीवन को सुख की चाह में ही खत्म कर देता है ना। हम जीवन भर सुख की आकांक्षा में ही भागते रहते हैं और मर जाते हैं, है ना। कौन नहीं चाहता? आप पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद दुखी हो जाऊँगा, इसलिए तो हम बैठे नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हों। हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज, वो हैप्पीनेस के लिए होती हैं, या किसी से बातचीत करते हैं, दुखी होने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ये जेरेमी बेंथम का कथन था और इसी कथन पे पूरा उपयोगितावाद टिका हुआ, इसका आधार टिका हुआ है। कई थिंकर थे जो इस पे जुड़े थे, तो लिखिए उपयोगितावादी दर्शन का मूल तत्व अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति से जुड़ा है। उपयोगितावादी दर्शन का मूल तत्व अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति से जुड़ा है। इसके संस्थापक जेरेमी बेंथम थे। इसके संस्थापक जेरेमी बेंथम थे। इनके पश्चात दो महत्वपूर्ण चिंतक जेम्स मिल और जेएस मिल। इसके पश्चात दो महत्वपूर्ण चिंतक जेम्स मिल और जेएस मिल, ये दोनों बाप बेटे थे। जेम्स मिल और जेएस मिल ने इस विचार को प्रचारित किया। ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा से जुड़े हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे दोनों। ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा से जुड़े हुए थे। उपयोगितावाद की संकल्पना तथा उपयोगितावाद की संकल्पना एवं उपयोगिता का मानदंड अधिकतम लोगों के अधिकतम प्रसन्नता
से जुड़ा हुआ है, अधिकतम लोगों की अधिकतम प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। आप इथिक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो ये सारे थिंकर्स आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। अधिकतम लोगों की अधिकतम प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। इनके अनुसार उपयोगितावादी कहते हैं कि एक चीज है जो सब लोगों को ज्यादातर सुख दे सकती है, कौन सी चीज? उपयोगितावादी अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख किस माध्यम से देना चाहते हैं? क्या हो सकता है तरीका? धर्म, धर्म, खान पीन। ज्यादा खाना पीना लोगों को तक पहुंच जाए तो लोग सुखी रहेंगे, लोग तो दानव बन जाएंगे, ज्यादा तो ज्यादा पेट भरा रहेगा तो शोषणकारी बन जाएंगे। एक ही तरीका है जिसके कारण से आप लोग सुखी बैठे हो, कौन सा तरीका बताओ? आपको क्या दिखता है जिसके कारण से आप लोग सुख हो? शिक्षा नहीं, संसाधनों का आवंटन सबके पास बराबर बराबर नहीं है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है। एक चीज है जो सबके लिए बराबर है, क्या मजाक कर रहे हैं? कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई कॉन्वेंट स्कूल से बैठा हुआ है, कोई सरकारी में भी नहीं पढ़ा। कानून सबके लिए बराबर है। विधि, विधि एक ऐसी चीज है जो सबको ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। तो उपयोगितावादियों ने कहा कि एक ही तरीके से यदि आप सबको ज्यादा सुख देना चाहते हो, वह कानून बना दीजिए, ऐसे कानून बनाइए जो लोगों को शोषण को समाप्त करें। तो लिखिए अगला, उपयोगितावादी विधि के माध्यम से ही, उपयोगितावादी विधि के माध्यम से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को संभव मानते हैं। विधि के माध्यम से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति को संभव मानते हैं। इसीलिए ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है वहां पे। कानून का शासन हमने वहीं से लिया, वहां पे सब बराबर हैं। वहां पे महारानी क्राउन को छोड़ दिया जाए तो वहां का प्रधानमंत्री, वहां की पब्लिक दोनों के सेम राइट है, सेम है वहां पे। अमेरिका में नहीं है ऐसा, तभी हमने अमेरिका से विधियों का समान संरक्षण ले लिया, वहां से लिया रूल ऑफ लॉ जो कि निगेटिव है। सबको बराबर नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए कानून के अंतर्गत तो सब आने चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो, चाहे महारानी हो, लेकिन सबके लिए समान कानून नहीं होना चाहिए। सबकी चूंकि प्राथमिकता है, सबके कार्य, सबके उत्तरदायित्व, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, इसीलिए हमने दूसरा टर्म्स लिया, अमेरिका से लिया, विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। समता का अधिकार है लेकिन रूल ऑफ लॉ, कानून के अंदर राष्ट्रपति भी आते हैं। राष्ट्रपति जब तक 5 साल तक हैं सेवा में, या राज्यपाल 5 साल तक हैं, तो कोई भी जाके उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही पद से मुक्त होंगे और कोई ऐसे अपराध में पाए जाते हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। आम नागरिक बन गए वो, लेकिन उस पोस्ट में बैठने के कारण उनको कुछ रियायतें दे दी गई, है ना। अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रूल ऑफ लॉ जो वहां पे बना, उसमें उपयोगितावादियों का सबसे बड़ा रूल है, और भारत में रूल ऑफ लॉ इन्हीं के कारण आया। तो लिखिए, इनका मानना है कि अच्छी विधि विधियों में सुधार, अच्छी विधि विधियों में सुधार, तथा विधि के शासन से विधि की प्राप्ति की जा सकती है। विधि की प्राप्ति की जा सकती है। इन्हीं ने पहली बार दबाव बनाया कंपनी के ऊपर कि जो आपने लगान व्यवस्था बनाई है ये जमींदारों के साथ न करके रैयतों के साथ करिए, किसानों के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था उपयोगितावादियों का देन है। यदि उपयोगितावादी नहीं आते तो जमींदारी व्यवस्था हो सकता है पूरे भारत में रहती।
ठीक है, इस विचारधारा ने कहा नहीं, किसानों से वो डायरेक्ट टैक्स आपको देंगे, मध्यस्थ शोषण ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दौरान आपने देखा होगा बेंटिंग के टाइम पे सती प्रथा को लेकर के, शिशु वध को लेकर के, है ना, विभिन्न प्रकार की जितनी दास प्रथा को लेकर के कितने कानून बने इसी अवधि में बने, और भारत का जो रूल्स रेगुलेशंस आए इस अवधि की सबसे बड़ी देन है। तो लिखिए, वह किसानों के साथ बंदोबस्त के पक्ष में थे, वह किसानों के साथ बंदोबस्त के पक्ष में थे, ना कि जमींदारों के। वह एक सक्षम एवं सशक्त शासन के पक्ष में थे। पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको ये सब पढ़ना पड़ेगा। जीएस मिल, जेरेमी बेंथम, इनके पूरे पूरे बहुत है, इसमें ज़्यादा तो नहीं बता सकते। वे एक सशक्त सक्षम शासन के पक्ष में थे। उन्होंने भारत के पिछड़ापन को प्रस्तुत किया और उपयोगितावादी सिद्धांतों के माध्यम से इसके सुधार की बात कही। उन्होंने भारत के पिछड़ापन को प्रस्तुत किया और उपयोगितावादी सिद्धांतों के माध्यम से इसके सुधार की बात कही। वह आंग्लविद दृष्टिकोण को दर्शाते थे, लेकिन एक बिंदु पर भिन्नता रखते थे। एक बात को लेकर वह आंग्लविद विचारधारा से भिन्न दृष्टिकोण रखते थे, किंतु एक बात को लेकर या एक बिंदु को लेकर भिन्न दृष्टिकोण रखते थे। वह मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि देखिए, शिक्षा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप इसमें छेड़खानी करेंगे तो हो सकता है कि भारत में फिर आपको बहुत ज़्यादा समय तक शासन करने की अवधि आपकी जल्दी ख़त्म हो जाए। वो चाहते थे कि भाषा को, लेकिन कर्जन का अपना है, मैकाले की अपनी थ्योरी है। देखो, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, किसके आधार पर हुआ है, फिर भाषा के आधार पर हुआ है। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। भारत में जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई तो भारतीयों ने नहीं कहा कि धर्म के आधार पर हम विभाजित हो जाएंगे। ये जीना की मांग थी कि हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे जिसमें केवल मुसलमान रहेंगे, ये उनकी मांग थी। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ, दिमाग में बैठा लेना इस बात को। पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की रट लगाए बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान यही कहता है, ये एक आपके पास पॉइंट मिल सकता है इस बिंदु को लेकर के, कि कभी भी आपको यदि इंटरव्यू में कहीं पर भी लिखना हो तो ये लिख सकते हो कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ। पाकिस्तान ये कहता है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, जिसके कारण उसे पाकिस्तान में मिलना चाहिए, लेकिन भारत कहता है कि हमारा विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ ही नहीं। जब नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर कैसे चला गया वहाँ पे? हमारे यहाँ पे आपसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, विभाजन के समय थी, तो कैसे बोल सकते हो? तो एक किसी भी देश को धर्म नहीं जोड़ सकता, पहला मुद्दा ये। किसी देश को क्यों जोड़ सकता है? भाषा। इसका एग्जाम्पल है बांग्लादेश और पाकिस्तान। जब वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में था तब दोनों का धर्म एक था, लेकिन भाषा गड़बड़ हो गई 1970 में, जब पहले चुनाव हुए। उससे पहले जब पाकिस्तान का संविधान बना उसमें उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी? उर्दू को एक भाषा बना दिया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया, जबकि बंगाल में मुस्लिम रह रहे हैं और वो बांग्ला बोलते हैं। तो वो भाषा का प्रश्न जाकर अविश्वास पैदा करता है। और बाद में जब पहली बार चुनाव के बाद मुजीबुर रहमान, जो पहली बार चुन के आए प्रतिनिधि बने बांग्लादेश से, उनको भी उन्होंने जेल में डाल करके उसका दमन कर दिया। तो फाइनली
पाकिस्तान और बांग्लादेश आज जो दो राष्ट्र हैं ये भाषा के आधार पे हैं, धर्म के आधार पे तो एक ही थे, दोनों इस्लाम थे, इस्लामिक राष्ट्र थे, लेकिन भाषा का जोड़ ना बन पाया जिसके कारण से दोनों अलग हो गए। शायद यदि पाकिस्तान उनकी भाषाई पहचान को बनाए रखता, भारत की बात करते हैं, चलो भारत में 29 राष्ट्र हैं, आज़ादी के बाद दुनिया भर की कमेटी बनी, संविधान बना और इन्होंने नकार दिया कि भारतीय संस्कृति को खतरा हो जाएगा यदि भाषाई आधार पर राष्ट्रों का गठन कर दिया गया, कोई माना? मरने तक को तैयार हो गए, श्री रामुलु की पहली मौत हुई 53 दिन का उपवास करके। तो भाषा भारत में क्या है, हर राज्य में जाएंगे तो कहीं पे तेलुगु है, कहीं पे तमिल है, कहीं पे कन्नड़ है, कहीं मलयालम है, कहीं पंजाबी है, कहीं गुजराती है, सब अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ और इसके लिए हमें संविधान संशोधन भी करना पड़ा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भाषा, ना कि धर्म। और ये बात समझते थे उपयोगितावादी, उन्होंने कहा कि यदि भारत में लंबे समय तक रहना है तो उनकी भाषा को मत छेड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, भाषा चेंज कर दी, एक वर्ग बना दिया उन्होंने, एक ऐसा वर्ग बनाया जो देखने सुनने में भारतीय था लेकिन ब्रेन से, दिमाग से वो अंग्रेज बन चुके थे। अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे। तो वो सारे लोगों ने उनके साहित्य को पढ़ना चालू किया, उनके रूल रेगुलेशंस को पढ़ना चालू किया, वहां पे शिक्षा प्राप्त की। जब वो भारत में आए तो हतप्रत रह गए, तभी बोला अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल तो है ही नहीं, जाना है ब्रिटिश रूल देखना है तो ब्रिटेन जाके देखो, वहां पे है रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर भी प्रथम श्रेणी में नहीं चल सकते। तो ये सब चीजें, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने। यदि हमें पढ़ाते लिखाते नहीं इतना तो हम इतने है ना, इतनी जल्दी हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए पढ़ाने लिखाने के बाद बच्चा बिगड़ जाता है। उदारवादी ये जानते थे, उपयोगितावादी। अगला पॉइंट, अगले विचारधारा, ये हो गए उपयोगितावाद, समझ में आई उपयोगितावाद क्या चाहती है, ठीक है। एक बिंदु को लेकर के आंग्लवादी विचारधारा से मेल नहीं खाती, वो बिंदु भी मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट लिखिए ब्रिटिश उदारवादी, अगली विचारधारा है ब्रिटिश उदारवादी। उदारवाद समझते ही हैं, उदारवाद हमेशा सुधार की बात करता है, उदारवाद हमेशा प्रगति की बात करता है, उदारवाद हमेशा प्रोग्रेस की बात करता है, उदारवाद हमेशा कानूनी संरक्षण की बात करता है, ठीक है। ये भी आंग्लवादी विचारधारा ही थी। तो लिखिए पहला पॉइंट, ये आंग्लवादी विचारधारा से प्रेरित था, यह आंग्लवादी विचारधारा से प्रेरित थे, यह भारत में बेहतर शासन के माध्यम से सुधार लाना चाहते थे, यह भारत में बेहतर शासन के माध्यम से सुधार लाना चाहते थे। बेहतर शासन के माध्यम से सुधार लाना चाहते थे, पाश्चात्य आदर्शों के माध्यम से, पाश्चात्य आदर्शों के माध्यम से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भारतीयों को देना चाहते थे, पाश्चात्य आदर्शों के माध्यम से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भारतीयों को देना चाहते थे, पाश्चात्य आदर्शों के माध्यम से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भारतीयों को देना चाहते थे। थॉमस मैकाले इसका महत्वपूर्ण व्यक्ति था, थॉमस मैकाले इससे जुड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। महत्वपूर्ण व्यक्ति था ।1835 में मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा नीति का समर्थन किया गया। 1835 एडी में मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा नीति का समर्थन किया गया। देखो एक ये विधि सदस्य बन के आया था भारत में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य बनाया गया जिसको बोलते हैं विधि सदस्य। पहले टेम्परेरी था, बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले जो है यहाँ पे एक विधि सदस्य के रूप में आया था, शिक्षा को लेके नहीं आया था ये, लेकिन विचारधारा रूप से ब्रिटिश उदारवादी था, ठीक है। और ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा चाहती थी कि पाश्चात्य सभ्यता ही भारतीयों पे लाद दी जाए। डलहौजी भी इनमें से एक था, ठीक है। डलहौजी भी यही लेकर, यही सोच लेकर भारत आया। उसने बहुत सारे कार्य तो किए, लेकिन फाइनली उसने तो इसमें कुछ काम इनके लिखे, फिर इसके बाद मैं आपको आंग्लविद प्राच्यविद विवाद कराता हूँ। देखो हुआ क्या था, 1813 एडी में चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना रुपया मिला, 1,00,000 रुपया, लेकिन खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं खर्च हुआ,
झगड़ा आपस में, किस चीज का झगड़ा, आंग्लविद और प्राच्यविदों के बीच में विवाद। उसने उस पैसे को खर्च नहीं करने दिया। प्राच्यविद चाहते थे कि पैसा कहाँ खर्च हो, भारतीय परंपराओं, भारतीय शिक्षा पद्धति पे पैसा खर्च हो। आंग्लविद चाहते थे कहाँ खर्च हो, तब जाकर अभी सुलझेगा कि जीतेगा कौन इसमें, आंग्लविद जीत जाएंगे, ठीक है, वो विचारधारा ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। तो इसमें कुछ इनके काम काम क्या, अब शुरू करते हैं। लिखिए 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार सरकार ने भारत में शिक्षा व ज्ञान के प्रसार के लिए, भारत में शिक्षा व ज्ञान के प्रसार के लिए, भारत में शिक्षा व ज्ञान के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया। बड़ी रकम थी उस समय के लिए, 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया, किंतु आंग्लविद प्राच्यविद शिक्षा पद्धति के विवाद के कारण, किंतु आंग्लविद एवं प्राच्यविद शिक्षा पद्धति के विवाद के कारण शुरुआती दौर में यह रकम खर्च नहीं की जा सकी, शुरुआती दौर में यह रकम खर्च नहीं की जा सकी। वस्तुतः इस समय बुद्धिजीवी ब्रिटिश समुदाय में, दो तरह की विचारधाराएं विद्यमान थी। यहां से आंग्लविद प्राच्यविद विवाद शुरू हो चुका है आपका, ठीक है, आप वहां पे मेंशन भी कर सकते हैं कहीं पर, आंग्लविद प्राच्यविद विवाद, आगे मैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो तरीके की विचारधाराएं विद्यमान थी। प्राच्यवादियों में H.T. प्रिंसेप तथा H.H. विल्सन, प्राच्यवादियों में एच टी प्रिंसेप तथा एच एच विल्सन प्रमुख थे। ये लोग प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन देने की नीति का समर्थन करते थे। इनका मानना था कि पश्चात ज्ञान और विज्ञान का प्रसार, अरबी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाए। तथा भारतीयों की परंपराओं का सम्मान किया जाए, सम्मान एवं संरक्षण किया जाए, ये लिखिए, प्राच्यविद समझ में आया, गड़बड़ नहीं होगा प्राच्यविद में, क्या सोच रखते थे, क्या चाहते थे प्राच्यविद। देखो इससे लेकर के मेंस का क्वेश्चन आपका अभी पूछा जाएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका अभी एग्जाम होना है, मैं आज एक क्वेश्चन तो बताए दे रहा हूँ, इसलिए याद रखिएगा ये, हाँ इसी से आएगा, अब क्या आएगा वो देखा जाएगा। अगला पॉइंट, प्राच्यवादी समझ में आ गए, अब आंग्लवादी पे आते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए इसी में, पश्चात्यवादियों में या आंग्लविदों में
मुनरो एवं एली फ्लिंस्टन ये सब थिंकर्स हैं। मुनरो एवं एली फ्लिंस्टन मुनरो तथा एली फ्लिंस्टन प्रमुख थे। मुनरो तथा एली फ्लिंस्टन प्रमुख थे। इनका मानना था कि पश्चिमी विषयों की ही शिक्षा दी जाए जिसका माध्यम अंग्रेजी हो। इनका मानना था कि पश्चिमी विषयों की ही शिक्षा दी जाए जिसका माध्यम अंग्रेजी हो। तो ये दो तरीके के विचार थे। विचारों को और तीव्रता कब मिली? कब? जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल बन के आया, और वो भी एक आंग्लविद विचारधारा से जुड़ा था, उपयोगितावादी था, और उसने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। उस कमीशन का काम था कि भारत में शिक्षा को लेकर के क्या सिस्टम डेवलप करना है, उसका काम उसको करना था। तो क्या क्या उसने कमेंट पास किए, क्या क्या उसने कहा, यहीं से विवाद थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन फाइनली यहीं से आंग्लविद विचारधारा प्रभावी हो गई हमारी शिक्षा पद्धति में। आगे के जितने भी बुड डिस्पैच हो, हंटर कमीशन हो, सर्जेंट योजना हो, सभी में ये आके, ठीक है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे लिखिए, 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल बन के आया 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल बन के आया लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल बन के आया उसने शिक्षा के संबंध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उसने शिक्षा के संबंध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया एक समिति का गठन किया। इसके बाद आंग्लविद प्राच्यविद विवाद उसने शिक्षा के संबंध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया उसके बाद आंग्लविद प्राच्यविद विवाद आंग्लविद प्राच्यविद विवाद एक बार पुनः उभर कर सामने आया एक बार पुनः उभर कर सामने आया इन दोनों दलों में विवाद होने पर मामला गवर्नर जनरल के सम्मुख आया। जहां लॉर्ड मैकाले ने आंग्लविद का समर्थन करते हुए हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की, ठीक है, अभी बेइज्जती मैं बताता हूँ कैसे की। जहाँ लॉर्ड मैकाले ने, ये नहीं लिख लीजिएगा, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की, ये नहीं लिखना है लाइन, कहीं लिख लिया आप लोग। जहाँ लॉर्ड मैकाले ने आंग्लविद का समर्थन करते हुए कहा कि, उसका ये पॉइंट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक तख्ता, समझ पा रहे हैं, पूरा यूरोप की एक अलमारी में बहुत सारी रैक होती हैं, उसका एक रैक में रखी पुस्तकें इक्वलिटी भारत का पूरा कंप्लीट साहित्य, इतना पावरफुल है वहाँ का साहित्य, ऐसा कहने का प्रयास किया उसने, कहा, प्रयास किया, कह दिया, लिखिए। तो बेइज्जती है ना ये, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और समस्त अरब के समस्त साहित्य से भी मूल्यवान है।
भारत और अरब के समस्त साहित्य से भी मूल्यवान है। बिल्कुल नहीं, क्यों लेंगे? अभी तो भारतीय आ ही नहीं है उच्च पदों पर। उच्च पदों पर भारतीयों का प्रवेश होता है बुड डिस्पैच, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद जब आपका 1853 के टाइम पे, 1853 का जो अधिनियम आया था उसके बाद भारतीयों का प्रवेश होता है, एंट्री होती है। ठीक है, तो अभी भारतीय नहीं है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट आगे, वस्तुतः मैकाले भारत में, वस्तुतः मैकाले भारत में काली चमड़ी के अंग्रेजों का, काली चमड़ी के अंग्रेजों का एक वर्ग बनाना चाहता था। गोरी चमड़ी के अंग्रेज तो खुद थे, काली चमड़ी के हम अंग्रेज नहीं थे, हम भारतीय थे, तो हमारे अंदर वो अंग्रेजी भरना चाहता था, अंग्रेजी राष्ट्र के प्रति, है ना। बताइए, हिंदी बोलना और अंग्रेजी बोलना दोनों में आप किसे है ना, यदि आपने हिंदी के प्रति, हिंदी बोल करके भी आपको यदि गर्व महसूस नहीं होता तो समझिए आप भी अंग्रेज हैं। यदि आप उस भाषा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आपके सामने कोई अंग्रेजी बोलने लग जाए और आप कमज़ोर पड़ने लग जाएं, आप तो, आपके अंदर अभी भी वो मानसिकता भरी हुई है, मैकाले आपके अंदर घुसा हुआ है, ये समझ लीजिएगा। जैसे ही आपको हीन भावना समझ में आए, कुछ भी आए, देखो ये काम अंग्रेजों ने 100 साल 150 साल पहले किया था, और आने वाले 100 150 साल तक मैकाले का भूत नहीं जाएगा, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। जिंदा रखने की यदि कोशिश की जाएगी तो संस्कृत खत्म हो गई, कोई दिखता है आज तक आपको संस्कृत बोलते हुए? यहाँ तक कि जो बहुत विद्वान ब्राह्मण है उनका कुछ समूह ही बचा है जो संस्कृत जानते हैं, वो भी पूजा पाठ के बाहर नहीं बताते, वो भी आम बोलचाल की भाषा में हिंदी ही प्रयोग करते हैं, उनके घरों में भी हिंदी बोली जाती है। बहुत कम गांव बचे हैं जहाँ की पूरी लैंग्वेज संस्कृत है, वैसे हिंदी भी जड़ से ना खत्म हो जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तमिल के लोगों को देखिए, अपनी भाषा के प्रति इतने जागरूक हैं कि उन्होंने बहुत, वो आती है उनको खूब इंग्लिश आती है, साउथ के लोग बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, लेकिन आप हिंदी में बात करेंगे तो आपसे वो तमिल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं। साउथ में जाइए, वो तमिल बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, क्यों? अपनी लैंग्वेज के प्रति उनको, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूरी है कि आप 5 लैंग्वेज जानिए 8 लैंग्वेज जानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो मूल भाषा है उसके बारे में ज्ञान नहीं रखे आप, तो फिर बर्बाद हो गए, जो कि आप लोगों के कापियों में, किताबों में सब दिख जाता है, क्या हालत बना दी है। ठीक है, आप लोगों के अंदर मैकाले का भूत है, किसी उससे मिलिए जो भूत झाड़ता है, उसको बताइए कि एक अंग्रेज था आज से 200 साल पहले, वो हमारे अंदर चढ़ा हुआ है, तो वो निकाल देगा। नेक्स्ट आगे लिखे, कहाँ पे हैं, कहाँ पे, कालीचरण, दूसरा भूत आ गया, काली चमड़ी के अंग्रेजों का एक वर्ग बनाना चाहता था, जिन्हें कम खर्च पर कंपनी के निम्न पदों पर बहाल किया जा सके, जिन्हें कम खर्च पर कंपनी के निम्न पदों पर बहाल किया जा सके। उसने कहा कि हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए, हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो उन करोड़ों लोगों के बीच, जो उन, जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो उन करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं, जिन पर हम शासन करते हैं द्विभाषीय का काम कर सकें, द्विभाषीय का काम कर सकें, यह उन लोगों का वर्ग हो, यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय हों, जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय हों,
यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय हो मगर रुचि विचार आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। मगर जो रुचि किस चीज में, भोजन में, खान पान में, पहनने में, रहन सहन में, उनकी भाषा सब, हम लोग तो वैसे देखा जाए तो आधे अंग्रेज आधे, रहन सहन बदल चुका है हमारा, खान पान बदल चुका है, हमारे पहनावे में परिवर्तन आ चुका है। भारतीय संस्कृति में कोई नहीं पहनता है, भारतीय संस्कृति ये है जो मैं पहने हुए हूँ। कुर्ता पजामा चलता था, धोती कुर्ता चलते था, महिलाएं साड़ियाँ पहनती थी, ये थी भारतीय संस्कृति। सब खत्म हो गया, जीन्स पैंट आ चुका है बड़ी तेज़ी से, कोट पैंट सूट ये सब भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था। जो पहले के छात्र होते थे, गुरु के बाल तो बड़े होते थे कि लेकिन छात्र सिर मुड़वा के बैठते थे। कोएड एजुकेशन नहीं थी पहले, सह शिक्षा का अभाव था, लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत दूर चली गई, भारतीय संस्कृति का अंग अब ये नहीं रह गए। अभी इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को हम रूढ़ियाँ मान के त्याग दिए और कुछ चीज़ों को हमको लगता है कि क्या हम पिछड़े हुए लगेंगे। कोई आपके बीच में, अभी मैं कल धोती कुर्ता पहन के आ जाऊँ, आप लोग व्यंग कसने लग जाओ कि अरे क्या आ गए, टाइम पास आदमी है। तो वो क्या है ना, वो चीज़ें, वो कल्चर, आप कभी पुराने लोगों को अपने घर पे देखिएगा, आपके बाबा दादा होंगे तो उनमें से कोई ना कोई तो होगा जो उस संस्कृति का हो। आज के समय में जो हमारे समाज का सर्वोच्च वर्ग हुआ करता था, जिसने बड़ा गर्व किया था एक समय पे, ब्राह्मण वर्ग, वो भी नहीं करता, वो भी सब सूट पैंट में आ चुके हैं, जीन्स पहन के घूम रहे हैं। जबकि उनका एक कर्तव्य था कि वो कम से कम इस पीढ़ी को, इस परंपरा को आगे चलाते जाते। चोटी खत्म हो चुकी हैं, चोटियाँ आप किसी के कुछ भी नहीं है, कोई बुंदेलखंड में कुछ नहीं बचा है। बुंदेलखंड के लोग तो, और जो जहाँ ज़्यादा पिछड़ापन है वहाँ के लोग और दिखावा करते हैं, ठीक है, जहाँ के लोग ज़्यादा पिछड़ापन होगा वहाँ के लोग दिखावटी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, ये मुद्दा अलग है। कहाँ पे हैं, साउथ में है, अभी साउथ इंडिया के लोग अभी भी लुंगी पहनते हैं, उनको अपने कल्चर का भान है, उन्हें पता है। वो लोग आप लोगों जैसे नहीं है, कुर्ता पजामा में आप देखेंगे मैक्सिमम लोग मिलेंगे, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे जहाँ हो। राजस्थानी लोगों को भान है कि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका पहनावा। इधर जो उत्तर भारत का जो हमारा मिश्रण है ना, ये गड़बड़ा गया पूरा। चलो कहाँ पे हम, बी प्रवेशन, अभी बी प्रवेशन थ्योरी इसकी समझेंगे। तो नेक्स्ट कहाँ पे, आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। मैकाले ने इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी या बी प्रवेशन का सिद्धांत। मैकाले ने बी प्रवेशन सिद्धांत में, मैकाले बी प्रवेशन के सिद्धांत में विश्वास करता था। ये लिखे सेंटेंस ये बनेगा, मैकाले बी प्रवेशन के सिद्धांत पर बी प्रवेशन का सिद्धांत क्या है। टपकन का सिद्धांत भी एक ट्रिकल डाउन थ्योरी हमें पढ़ी थी हम लोगों ने, कि हम ऐसा करें कि ऊपर डेवलपमेंट कर दें, नीचे डेवलपमेंट धीरे धीरे। ऊपर डेवलपमेंट का मतलब यदि मैं आसान भाषा में समझाऊं तो, जैसे आपका गांव है या फिर यहीं पे गाजियाबाद में देखते हैं, यहाँ पे एक मॉल बना दिया गया, ठीक है। मॉल के आसपास देखेंगे आप तो वहाँ पे और भी बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो भी चमक गए, है ना। मॉल के आसपास आप देखेंगे और भी बिजनेस चमक गए और वो महंगे हो गए, उनका प्रोडक्ट महंगा हो गया, 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए की हो गई। बी प्रवेशन या ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहता है कि हमको डेवलपमेंट हर जगह नहीं करना है, हमें एक वर्ग में डेवलपमेंट कर देना है और वो टपक टपक के नीचे तक पहुंचेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, भारत के सभी वर्गों को हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सभी को शिक्षित करने की जरूरत नहीं है, हम एक छोटे वर्गों को शिक्षित करेंगे और उसी वर्ग के माध्यम से धीरे धीरे भारत के सभी क्षेत्रों में चीज़ें पहुँच जाएंगी, ठीक है। जो कि एक गलत अवधारणा है, जो कि एक गलत अवधारणा है। ये अवधारणा सिर्फ और सिर्फ भारत में भी, जब आपका महालनोबिस एक बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे, उनके द्वारा पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, भारी उद्योगों पर ज़्यादा निवेश किया गया, आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी पे आधारित थी, लेकिन वो फाइनली देखा जाए तो कोलैप्सी हो गई। भारी उद्योगों पर हमने नीचे के उद्योगों को खो दिया उसके कारण से, आज इसी कारण से हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो गया। भारत सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर से जंप कर गया सर्विस सेक्टर पे, बीज का सेक्टर खा गए। अब जाके मेक इन इंडिया आया है, अब जाके दिमाग में आया कि नहीं नहीं हमें, चाइना ने दूसरे सेक्टर को पकड़े रखा आज, इसलिए वो इंडस्ट्रियल हब बन गया, ठीक है। डेवलपमेंट उसी कंट्री में आता है, चाइना हमसे ज़्यादा, हमसे पहले डेवलप्ड हो जाएगा,
हम डेवलपिंग ही बने रहेंगे। रीजन क्यों है? क्योंकि उसने दूसरे सेक्टर को पकड़ के रखा है, भारत ने दूसरे सेक्टर को चट कर गया, खा गए हम। डेवलप्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन भारत में उल्टा हो गया, सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस में चले गए। ये तब होता जब हम डेवलप्ड हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो अलग मुद्दा है, कहाँ पे हैं? हाँ ठीक है, तो लिखिए, विप्रवेशन के सिद्धांत पर विश्वास करता था जिसमें माना गया कि आम लोगों की शिक्षा के लिए कोई धन व्यय ना किया जाए, आम लोगों की शिक्षा के लिए कोई धन व्यय ना किया जाए। तो पहले क्या होता था, गांव में कहीं मुश्किल से एक मास्टर किया वो मिलता था, एमए होता था वो, मुश्किल से, और जब उसको लोग देखते थे तो पूजा करते थे उसकी। अंग्रेजों के द्वारा कोई फरमान निकलता था, कोई तार आता था, कोई पत्र आता था, कोई चिट्ठी पत्र आता था, तो जाते थे उसे पढ़वाते थे, उसका बहुत बड़ा रोल होता था। लेकिन आज के टाइम पे अब आपको लगता है वही वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा हो गई भरमार, अब सब घरों में चार चार मास्टर डबल ए में ट्रिपल ए में किए बैठे हुए हैं, प्रभाव ही खत्म। नेक्स्ट, जिसका मानना था कि आम लोगों की शिक्षा में कोई ध्यान व्यय ना किया जाए, ब्रिटिश शिक्षा समाज के एक वर्ग में ही, ब्रिटिश शिक्षा को समाज के एक वर्ग में ही प्रवेश प्रदान किया जाए, ब्रिटिश शिक्षा को समाज के एक विशेष वर्ग में ही प्रवेश प्रदान किया जाए, ब्रिटिश शिक्षा को समाज के एक विशेष वर्ग में ही प्रवेश प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से धीरे धीरे, लेकिन वो विशेष वर्ग ऐसा था कि उसने पूरे ज्ञान को ऐसे कर रखा था, नहीं मैं अपना ज्ञान किसी को नहीं दूंगा, जितना पढ़ा उसे छुपा के रखा, ठीक है, वो कंडीशन थी, अपना ज्ञान उसने प्रसारित करने की कोशिश ही नहीं की। साक्षरता दर कितनी थी? 10% से कम साक्षर लोग थे जब आज़ादी के बाद भारत का पहली जनगणना हुई, तब लिटरेसी रेट आपका 10% के आसपास साक्षर थे लोग। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ ले समझ ले, बस इसे साक्षर कहते हैं, पढ़ के समझ ले वो साक्षर होता है, तभी बायोमेट्रिक पहले चलता था, बायोमेट्रिक होता था, अच्छा खासा था वो, पहले अंगूठा वही वही हस्ताक्षर होते थे उसके, ठीक है। नेक्स्ट, धीरे धीरे इन्हीं वर्गों के द्वारा, इसके माध्यम से धीरे धीरे इन्हीं वर्गों के द्वारा, इनके माध्यम से धीरे धीरे इन्हीं वर्गों के द्वारा यह शिक्षा आम भारतीयों तक प्रसारित होने लगेगी, यह शिक्षा आम भारतीयों तक प्रसारित होने लगेगी। प्रसारित होने लगेगी। वस्तुतः आंग्लविद प्राच्यविद संघर्ष में, आंग्लविद प्राच्यविद संघर्ष में अंततः मैकाले के नेतृत्व में, अंततः मैकाले के नेतृत्व में आंग्लविदों की विजय हुई, आंग्लविदों की विजय हुई, और इस विजय का परिणाम स्वरूप, और इस विजय के परिणाम स्वरूप 1835 एडी, और इस विजय के परिणाम स्वरूप, ये लिखिए, रुक जाइए यहीं पे, और इस विजय के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा, और इस विजय के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा 7 मार्च 1835 को मैकाले की योजना स्वीकार कर ली गई, मैकाले की योजना स्वीकार कर ली गई, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि कंपनी सरकार भारत में, कंपनी सरकार भारत में यूरोपीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए
यूरोपीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयास करें, कंपनी सरकार भारत में यूरोपीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयास करें तथा सभी खर्चे इसी उद्देश्य से किए जाएं परिणामतः 1844 एडी में यह घोषणा की गई कि सार्वजनिक सेवाओं में केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे को ही नौकरी मिलेगी यही विवाद आंग्लविद प्राच्यविद विवाद के नाम से जाना जाता है जिसमें प्राच्यविद पराजित हुए या आंग्लविदों की विजय हुई। ठीक, ये हो गई आंग्लविद प्राच्यविद विचार, समझ गए? ठीक, आंग्लविद विचारधारा ने आगे लिखे, भारत की शिक्षा पद्धति को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में शिक्षा सुधार हेतु अठारह सौ चौवन का बुड डिस्पैच, ये खुद पढ़ना है, ठीक है, बुड डिस्पैच में ही स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था, अंग्रेजी को उच्चतर शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। ठीक है, सरकार को पश्चात शिक्षा कला दर्शन जितना भी मैकाले पद्धति थी उसको ही बुड डिस्पैच में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1854 का बुड डिस्पैच तथा 1882 का हंटर कमीशन, 1882 का हंटर कमीशन, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 में भारतीय, इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन, टॉमस रैले की अध्यक्षता में बना था ये, ठीक है, या रैले कमीशन भी बोलते हैं इसको, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने कमीशन बनाया जिसके रिकमेंडेशन पे अधिनियम पारित हुआ। लिखना नहीं है, हर चीज़ इतना थोड़ा ना, मैं छपवाते छपवाते मैं ख़त्म हो जाऊँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सारी चीज़ें आप कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए, इसमें क्या बुड डिस्पैच चार को पॉइंट होंगे, पढ़ लेना इनको, मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया, ये पढ़ना है, वहाँ पे आगे लिख लीजिए कोष्टक में, इसको घर में पढ़ना है, किताब में मिलेगा, ठीक है, बुड डिस्पैच भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। नेक्स्ट 1917 का सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917 का सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1929 में हार्टोक समिति, 1929 में हार्टोक समिति, गांधी जी का एक शिक्षा योजना है वो अलग है, लेकिन लिख लीजिए उसको भी, पढ़ लीजिएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं तो फिर पढ़ोगे नहीं। 1937 में वर्धा की बेसिक या बुनियादी शिक्षा योजना, ये गांधीवादी योजना है, कोष्टक में लिख लीजिएगा, इसको भी पढ़ना है आपको। 1937 की वर्धा की बेसिक या बुनियादी शिक्षा योजना,
जाकिर हुसैन जी का नाम सुना होगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में ये बुलाया गया और इसके तहत 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा योजना, ये सब चीज़ें देने की व्यवस्था की गई। ठीक, क्या हुआ? 7 से 14 संविधान मत पढ़िए, ये संविधान नहीं है, वर्धक बुनियादी योजना, उसमें संविधान में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्धा की बेसिक या बुनियादी शिक्षा योजना तथा 1944 की सर्जेंट योजना, 1944 की सर्जेंट योजना, इसके तहत 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए हम प्राइमरी शिक्षा, 11 से 17 के लिए माध्यमिक शिक्षा, ये सब व्यवस्था इसमें की गई। 1944 की सर्जेंट योजना तथा भारत की आज़ादी के बाद राधा कृष्णन आयोग 1948 में बनाया गया। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में राधा, भारत के शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना 5 सितंबर को, यही थे राधा कृष्णन, जो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति भी रहे हैं, फिर राष्ट्रपति भी बने। राधा कृष्णन आयोग 1948 में बनाया गया। ये राधा कृष्णन, ये सब जाकिर हुसैन, ये लोग, ये पहले वो थे IFS वाली पोस्ट होती है ना, भारत के राजदूत थे एम्बेसीज में, रशियन एम्बेसी में थे राधा कृष्णन, वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, तो वर्धा या बेसिक शिक्षा, बुनियादी, सर्जेंट योजना और 1944 का, ठीक, आदि बनाए गए, ये सब पढ़ेंगे आप खुद, इसके नोट्स खुद बनाएंगे, कुछ नहीं है, 4-4 पॉइंट हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है ना, पूछा यही जाएगा शिक्षा के कमीशन कौन थे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का PT में, और मेंस के लिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट पूरा बता दिया सिनेरियो कि आंग्लविद प्राच्यविद विचार से आपका आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा, पूछा जाता है तो आप कर पाओगे, अब शायद ऐसा नहीं होगा कि आप ना कर पाओ। तो लगभग तो मैंने सब पढ़ा ही दिया, अब क्या बचा, अभी लिख लो एक विचारधारा और, 1857 के बाद वाली विचारधारा नहीं बताया अभी, है ना, ये हो गया आंग्लविद विचारधारा। आंग्लविद विचारधारा में मुक्त व्यापार चिंतन, चर्च समूह, उपयोगितावादी और ब्रिटिश उदारवादी, ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए 1857 के बाद नए दृष्टिकोण का विकास, 1857 के बाद नए दृष्टिकोण का विकास, ये विचारधारा पढ़ रहे थे ना हम, भूल गए, ये देखो ये है, ये वाला दृष्टिकोण 3, अगला दृष्टिकोण पढ़ लीजिए, 1857 के बाद नए विचारधारा का विकास लिखिए, इसमें क्या क्या था। पहला, नंबर एक, पहला इसमें सोच निकल के आई, प्रजातीय श्रेष्ठता की दृष्टि, प्रजातीय श्रेष्ठता की दृष्टि। अगला पॉइंट, सत्तावादी उदारवाद, सत्तावादी उदारवाद, यानी कि क्राउन आ गया, अब क्राउन के द्वारा जो उदारवाद है, सत्तावादी उदारवाद। अगला पॉइंट, सुधारों को नकार दिया गया, प्रगतिशील सुधारों को नकार दिया गया, ये लिखिए, प्रगतिशील सुधारों को नकार दिया गया, मतलब क्या है इसका, जो बार बार दास प्रथा, सती प्रथा, दुनिया भर की प्रथाएं बंद कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह आप कर रहे थे, अब नहीं करेंगे भैया, भारतीय फिर से प्राच्यवादी सोच से जुड़ गए कि भारतीयों को उनको छेड़ेंगे तो फिर भगा ही देंगे लोग, तो सत्तावादी उदारवाद। उसके बाद जो है सुधारों को, प्रगतिशील सुधारों को नकार दिया जाना। पैतृकवादी दृष्टिकोण, पैतृकवादी यानी वंशानुगत दृष्टिकोण, पैतृकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। श्वेत नस्लवाद का विकास हुआ, श्वेत नस्लवाद का विकास हुआ। सिविलाइजी मिशन मतलब है सभ्य बनाने का मिशन, सिविलाइज्ड किया जाना है आपको, सिविलाइजी मिशन जैसे दृष्टिकोणों का विकास हुआ। हेडिंग डालिए श्वेत नस्लवाद, श्वेत नस्लवाद, श्वेत नस्लवाद, गोरा और काला, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो विभेद है ये क्या है। ठीक है, ये विचारधारा चूंकि अब ज्यादा उभरी, लिखिए इसमें, यह दृष्टि पहले भी थी, ये ऐसा नहीं था कि 1857 के टाइम पे निकल के आई, ये पहले से भी थी, यह दृष्टिकोण पहले भी था, किंतु 1857 के बाद व्यापक रूप से, किंतु 1857 के बाद व्यापक रूप से देखने को मिला।
यह दृष्टिकोण पहले भी था किंतु 1857 के बाद व्यापक रूप से देखने को मिला। अगला पॉइंट, यह श्रेष्ठ और स्वामी प्रजाति की चेतना से जुड़ाव रखती है। यह श्रेष्ठ और स्वामी प्रजाति, यानी कि स्वामी प्रजाति मतलब समझ रहे हो ना, हम राजा हैं आप प्रजा हो, हम स्वामी हैं आप दास हो, ये वाली सोच आ गई कि मैं ही शासक हूँ, हमारी प्रजाति ही शासन करने के लिए बनी है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल गया है कि सूरज, ब्रिटिशर्स का सूरज कभी अस्त नहीं होता, हम पूरे विश्व में हम जीतने के लिए ही बने, हमें कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो अपने आप तरीके से दिखाना इन्होंने शुरू किया कि हम ही हैं जो पूरे विश्व में शासन करेंगे। स्वामी प्रजाति की श्रेष्ठता का विकास हो, प्रजाति की चेतना विकसित हुई। अगला पॉइंट, इस विचारधारा के द्वारा औपनिवेशिक शासन के महत्व को, इस विचारधारा के द्वारा औपनिवेशिक शासन के महत्व को उजागर किया गया, औपनिवेशिक शासन के महत्व को उजागर किया गया तथा औपनिवेशिक देशों का नियंत्रण अपने हाथों में रखा गया, औपनिवेशिक देशों का नियंत्रण अपने हाथों में रखा गया। लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि हम ही बने हुए हैं, हम ही हैं जो इस पे राज करेंगे पूरी दुनिया पे। तो लोगों को इस बात सत्य लगने लगी कि अंग्रेज अजेय हैं, अंग्रेजों से कोई जीत नहीं सकता, इन्हें हराया नहीं जा सकता। बहुत समय तक तो यही सोच थी, तो कोई युद्ध ही नहीं करता था। ये तो दो बार, जब दो घटनाएं हुई हैं, पहली हुई है जापान ने मंचूरिया युद्ध पे रशिया को हरा दिया, जैसे ही मंचूरिया पे जाए तो यूरोप का एक देश पराजित हो गया एशिया के देश से। अफगानों ने ब्रिटेन को हराया, तब एक पूरा भ्रम टूटना चालू हो गया। नेपाली युद्ध में ब्रिटेन पराजित हुए, तो जब ये घटनाएं होने लगी तो ऐसा लग रहा है ये तो पराजित हो सकते हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा है। तो ये सब चीजों को, दुष्प्रचारों को बाद में जाकर के उजागर हुआ और स्वतंत्रता संग्राम चालू हुए पूरे विश्व के। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, यह विचारधारा का नाम क्या है, श्वेत नस्लवाद। यह विचारधारा श्वेत व्यवसाय यानी व्यापार भी हम ही करेंगे, श्वेत रंग श्वेत व्यवसाय की एकता को स्थापित करना, तथा श्वेत सामूहिक एकाधिकार को बल प्रदान करता है, श्वेत सामूहिक एकाधिकार को बल प्रदान करता है, श्वेत सामूहिक एकाधिकार को बल प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारतीयों को प्रतियोगिता से बाहर रखता है, नेक्स्ट, इसके कारण प्रशासनिक सेवाओं के उच्च पदों पर यूरोपियों के लिए आरक्षण कर दिया गया, यही बात सैन्य सेवा में भी लागू कर दी गई। देखो इन्होंने क्या किया, जितनी भी सर्विसेज थी ना, इसमें कई गेट बना दिए अंग्रेजों ने, सब में कई गेट बना दिए, कई द्वार बना दिए, एक एंट्री गेट, दूसरा एंट्री गेट, तीसरा एंट्री गेट, कई प्रकार के एंट्री गेट बना दिए इन्होंने। मतलब समझते हो इसको, सर्विस एक ही है लेकिन उनमें सिलेक्शन के तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि आज भी है, अभी बहुत सारी अंग्रेजों की चीज़ ढो रहे हैं, अब उनके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है बस। आज यदि आप अंग्रेजी सिस्टम में देखेंगे तो ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। जैसे पुलिस प्रशासन है, जैसे सिविल प्रशासन है,
कोई भी प्रशासन, सैन्य प्रशासन है, पुलिसिंग सिस्टम में आप देखते हो चार गेट आप देखते हो। पहला गेट आपका है कांस्टेबल के थ्रू आप जाओ, भर्ती हो जाओ, अदर रैंक। दो गेट अदर रैंक के बनाए गए। दूसरा है एसआई के माध्यम से भर्ती हो जाओ। तीसरा है डिप्टी एसपी पीसीएस के माध्यम से भर्ती हो जाओ। चौथा है आईपीएस के माध्यम से भर्ती हो जाओ। ये चीज़ ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में जो कांस्टेबल बनेगा वही आईपीएस बनेगा प्रमोशन होते होते। यहाँ पे कांस्टेबल कभी एसआई नहीं बन सकता, एसआई कभी डिप्टी एसपी नहीं बन सकता, डिप्टी एसपी के तो आईपीएस नहीं बन सकता, मर जाएगा डिप्टी एसपी आईपीएस बनते बनते। डिपार्टमेंटल प्रमोशन में जब बहुत बड़ी पकड़ होगी तब कहीं जाके उसका हो पाएगा। तो भारत में ऐसा सिस्टम नहीं, इनको बना दिया गया ऑफिसर रैंक। हर जगह दो सिस्टम बनाए, एक बना दिया गया ऑफिसर रैंक और एक बना दिया गया अदर रैंक। दो रैंकें बना दी गई हर जगह पे, चाहे आप सिविल सेवा में देखिएगा, बी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इन्हीं के द्वारा बनाए गए ग्रेडिंग सिस्टम। उनके यहाँ नहीं है, हम अभी भी ढो रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ ख़त्म कर दिया। क्यों? उनको लगता था कि एक वर्ग, ये बना ए बी सी डी, डी वर्ग का मतलब क्या है? इसका मतलब अब कोई डी वर्ग की पोस्ट है ना, जो सफाई करता है, जो गंदगी साफ करता है, जो सीवेज में घुसता है, क्या वो कभी आईएएस अधिकारी के योग्यता नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। अंग्रेज यही मानते थे क्योंकि ये निम्न वर्ग के निम्न कामों के लिए बना हुआ है। लेकिन अपने यहाँ उन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया है, उनके यहाँ पे सब बराबर है। ये नस्लीय भेदभाव था जो आज भी भारत में जिंदा है, आज भी है कई ग्रेडों के माध्यम से, और इनका शोषण किया जाता है। ओआर का बहुत बुरा शोषण किया जाता है। आप भारत की किसी भी अदर रैंक की सर्विस में चले जाइए, आप चार महीने बाद त्रस्त हो जाएंगे, छोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑफिसर रैंक में थोड़ा सा ठीक है, सुविधाएं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए ओआर है, अदर रैंक है, वो आपकी सेवा करेंगे। दो दो कर्मचारी सबको दे दिए गए ओआर के, वो कर रहे हैं सेवाएं। तो ये एक तरीके से दास रैंक टाइप में बना दी गई है। दास व्यवस्था जैसे काम होता है ना, वैसे सिस्टम है, समझ रहे ना। आईपीएस के बच्चे को छोड़ने जाना, उसकी बीबी की सब्जी लेके आना, उसके कुत्ते को टहला के लाना, ये क्या है? ये उसके लिए बैठा है बेचारे को, दास दास की तरह व्यवहार करा दिया। ये सिस्टम अंग्रेजों की देन थी जो आज हम ढो रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। इसको लेके कई बार पुलिस सुधार को लेके, लेकिन अब क्योंकि सुधार करना किनको है? ऑफिसर रैंक को। अब क्यों सुधार करेंगे? ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो इनकी पूरी की पूरी ये कहानी क्यों बनने देंगे, क्यों चेंज होने देंगे? ये चेंज ही नहीं होने देंगे कभी भी, क्योंकि इनके पास ही जिम्मा है चेंज लाने का। अब फिर कार्ल मार्क्स याद आ जाता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि सब एक हो जाओ, संघर्ष करो, क्रांति ला दो। फिर लगता है कि नहीं 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 हो पाएगा। तो मुद्दा कुछ मतलब ऐसा है, बट क्रिटिकल कर दिया है इन्होंने। छोड़िए, अगला आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हैं? सैन्य पदों पे, हाँ, सैन्य सुधार पे। अच्छा, यही नस्लवाद सैन्य सुधार पे भी लागू था या सैन्य सेवाओं में भी लागू था। अगला पॉइंट लिखिए, सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित नहीं की जाती थी। कब तक? सिविल सेवा परीक्षा भारत में लागू नहीं की जाती थी, आयोजित नहीं की जाती थी 1921 तक। 1921 में पहली बार ये प्रावधान हुआ कि भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ। तो ये किसकी विचारधारा का सोच है? ब्रिटिश नस्लवाद की। अगला पॉइंट, सिविल सेवा में भारतीयों के लिए अधिकतम उम्र 18 से 19 वर्ष इसी कारण रखी गई। क्या विचारधारा काम कर रही थी इसमें? स्वायत्त नस्लवाद। सिविल सेवा में भारतीयों के लिए अधिकतम विचारधारा अभी भी यूपीएससी में चल रही है ना, एक विचारधारा इंग्लिश मीडियम को तवज्जो ज्यादा दिया जाना, हिंदी मीडियम को, तो वो डीपी अग्रवाल जी के समय से ऐसा भ्रम है या सच्चाई है कोई नहीं, किसी को नहीं पता। सच्चाई इसलिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ते। ये भी बात सही है, ये बात सही है, नहीं पढ़ते आप लोग, बीमार हो जाते हो, तबीयत खराब हो जाती है, टेस्ट के नाम पे भागते हो, नहीं पढ़ते आप लोग, पढ़ाई के नाम पे नाटक करते हो, किसी को देख के जल्दी पढ़ते हो। यही बात सही है, कंपेयर करिए कभी दोनों मीडियम की कॉपियों में, आपको खुद पता चलेगा। तो ये किसकी गलती कि आपका बेस अच्छा नहीं था? बारहवीं तक, अब आप जब कंपटीशन की तैयारी करने आए हो तब आपको अब बारहवीं तक फिर से, तो इसका मतलब पहले कक्षा एक से बारहवीं तक फिर पढ़ाया जाए। बोल दिया जाता है,
तभी छठी से बारहवीं तक की किताब पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है। हाँ ये भी एक है, ये आपका ये बैकग्राउंड काम करेगा इस पर पूरी तरीके से, ये मुद्दा भी है, लेकिन इसके बाद तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, मान लो चलो ठीक है तब नहीं था, अब भी तो सुधरने को तैयार नहीं है, वो बारहवीं तक की जो बातें हैं वो बार बार फिर आ जाती हैं। ग्रेजुएट भी आप लोग चूँकि अच्छा परसेंटेज नहीं होता तो अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाते हैं बच्चे, ये इनके इन प्रकारण कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। डिग्री कॉलेज आज कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए हैं, कहीं भी हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक डिग्री कॉलेज, उच्चतर प्राइमरी नहीं मिलेगा लेकिन डिग्री मिल जाएगा, ये कंडीशन हो गई है। तो डिग्री बांट रहे हैं ऐसे लेते जाओ, हिंदी मीडियम वाले को वहीं से चाहिए, क्यों जाना ना पड़े, साथ में कुछ और काम करने हैं उसको, रोजगार भी उसी टाइम पे करना है। इंग्लिश वाला अच्छा परसेंटेज होता है, भारत की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में इंटर कर जाता है, वहाँ पे रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो अंतर है ये एजुकेशन सिस्टम में। अब इसके बाद कहो सुधर जाओ तो कैसे सुधर जाएँ, 23 साल तक तो ऐसे ही जिए हैं, अब कैसे सुधर जाएँ, ये बचपन से सिखाते तो शायद सुधर जाते, मुद्दा ये भी है। अब राइटिंग आपको वो बचपन से कर्सिव करते हैं, आप लोगों को बीए के बाद कर्सिव करवाना पड़ रहा है कि भाई राइटिंग सुधार लो, गलत लिख रहे हो आप, पता नहीं कैसे लिखा है, आप लोगों को नंबर मिल गया पास हो गए, बीए कॉपी मैं आप लोग चेक करूं सबको फेल कर देता एक तरफ से। लेकिन क्या है, पैसा चल रहा है हर जगह पे, यूनिवर्सिटियों में कहीं कहाँ पैसा नहीं चल रहा, ठीक है चलो उस मुद्दे पर बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, डिमोटिवेट हो जाओगे आप लोग, ये भी मुद्दा है ना, तुरंत डिमोटिवेट होते हो, अपनी कमियों को आप देखना नहीं चाहते हो, सामने एक ऐसा, आप लोगों को एक ऐसा दर्पण चाहिए जो आपका झूठा चेहरा दिखाए, वास्तविक चेहरा भी तो नहीं देखना चाहते, क्यों कभी दिखाया नहीं गया, तो एक बार वास्तविक चेहरा देख करके उस पर काम करना शुरू किया जाए तो एक साल में भी, क्योंकि आज जो आपके पास पावर है वो कल, आज आप कक्षा एक दो शुरू कर लो, पढ़ लो शुरू से NCERT, लेकिन अब आलस्य, प्रमाद, डिमोटिवेशन, जल्दी पाने की चाह, तुरंत ही चाहिए, वो सब चीज़ें भी आपको पीछे ढकेल ले जाती हैं। चलो मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा, मुझे काम बहुत है। अगला पॉइंट लिखिए, सिविल सेवा में भारतीयों के लिए अधिकतम उम्र कितनी कर दी गई, 18 से 19 साल, 19 साल थी। इल्बर्ट विधेयक विवाद हुआ इसी श्वेत नस्लवाद के कारण, क्या था इल्बर्ट विधेयक विवाद बताइए, पढ़ाया मैंने यूरोपीय न्यायाधीशों को, हाँ तो यूरोपीय तो भारतीयों का फैसला करेंगे और कौन करेगा, क्या भारतीयों को दिया गया ये सब गोल मोल जो बात करते हो, इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी मीडियम वाले गड़बड़ हो जाते हैं, क्लियर बताइए ना क्या है उसको क्लियर, हाँ जो इधर 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 सामने, हाँ जो अच्छा ऐसे बोलेंगे, अंडर में काम करेंगे तो विवाद कैसे हो गया, तो बात सही थी, लड़ाई झगड़ा होने, वो क्या है आप लोग अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा कम से कम जो चीज़ पढ़ते हो वही बोला करिए, वो तो मैंने कहीं नहीं लिखवाया न कभी बताया, सिंपल आसान भाषा में थोड़ा सा चीज़ों को सीखो प्रेजेंट करना भी, बात है नहीं कि रटे पड़े हो कोई फायदा नहीं बता नहीं पा रहे हो, सिंपल आसान भाषा में जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था को लेकर ये सुधार था, न्याय व्यवस्था में ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था, न्याय व्यवस्था में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था जिसमें न्यायिक कार्य सिर्फ और सिर्फ चाहे भारतीयों के लिए हो चाहे यूरोपियों के लिए हो कौन करेगा, यूरोपीय न्यायाधीश ही करेगा, लेकिन अब सिस्टम ये बना दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के मामलों को सुन पाएगा, जैसे ही ये सिस्टम बनाया गया श्वेत नस्लवाद आगे निकल के आ गया कि अनपढ़ लोग हमारे ऊपर न्याय करेंगे, हमें फांसी की सजा देंगे, हमें 4 साल की सजा देंगे, 8 साल की सजा देंगे, ये ब्लैक करेंगे हमारा निर्णय, ये श्वेत नस्लवाद ने इल्बर्ट विधेयक विवाद बना दिया। इस विधेयक में भारतीयों के द्वारा भी अंग्रेजी मुकदमों को सुना जाना था, बस ये था, भारतीय जजों के द्वारा भी अंग्रेजों के मुकदमे सुनो जाने की व्यवस्था की जानी थी, जिसको अंग्रेजों ने नकार दिया, बड़े स्तर पर विरोध हुआ, बात ब्रिटेन तक गई, ब्रिटेन में इस व्यवस्था को खत्म करने की बात कही गई और लॉर्ड रिपिन ने तुरंत इस विवाद को वापस ले लिया, 1883 में विवाद हुआ था। अब ये वो करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सामने वाला कंफ्यूज भी हो जाएगा, ये वो से क्या मतलब है, ठीक है थोड़ा सा क्लियरिटी, मैं जब आप लोगों को आसान भाषा में इसका मतलब क्या है, चीजों को इतना इजी करके समझो कि किसी को तुरंत रिप्रेजेंट कर सको,
बहुत क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंट करना और लिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिखो क्लिष्ट, अच्छा लिखो, लेकिन बताओ ऐसा कि कोई भी कभी ना पढ़ा हो फिर भी समझ जाए, तब आपके अंदर पावर है। ऐसे ही लोग मिलेंगे प्रशासन में। कोई किसान आ जाएगा आपके पास, बैठ जाएगा, साहब मेरी ये समस्या, अंग्रेजी में बता डाले पूरा कानून, क्या फ़ायदा उसके, आप किस काम के उसके लिए, ये वो कर रहे हैं आप उस समय भी, तो क्या समझेगा ये का मतलब क्या है, वो का मतलब क्या है। आपका काम है कि आप इजी लैंग्वेज में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की क्षमता विकसित करें, तब आप लोग मानना पड़ेगा कि आप लोग के अंदर कुछ है, समझ रहे हो। यदि ये नहीं है तो कोई मतलब नहीं आपका। दूसरों को समझा पाएं अपनी बात को, अपनी बात सिर्फ मेरे तक ही ना रहे, मेरा लिखा हुआ दूसरा पढ़ भी सके, पढ़ने में उसे आनंद आ जाए, इतना बढ़िया लिख दूं मैं, ये सब चीज़ें स्किल से आती हैं। तो थोड़ा बोलना भी सीखो, थोड़ी देर शीशे के सामने, ठीक है, कोई ऐसा दोस्त हो जो सुनने की आदत रखता हो उसके साथ, है ना, इन चीज़ों को आपको डिस्कस करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इल्बर्ट विधेयक विवाद, समझ गए इल्बर्ट विधेयक विवाद क्या है, है ना, मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया हो तो लिख लीजिएगा कहीं से भी, मैंने समझा दिया, इतना ही था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए, सामान्य जीवन में श्वेत नस्लवाद देखने को मिला, सामान्य जीवन में श्वेत नस्लवाद भी देखने को मिला, जैसे जैसे बताओ, रेलवे में, रिजर्वेशन में कौन चल सकता है, श्वेत, अंग्रेज ही चलेंगे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, आप नहीं चल सकते, चाहे टिकट खरीदने की क्षमता रखते हो चाहे नहीं रखते हो। निवास स्थान अलग अलग होते थे, ठीक है, वहां पे लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड, ठीक है, तो जितने भी ब्लैक होते थे उनके रहने के क्षेत्र, उनके रहने के क्षेत्र भी डिवाइड कर दिए गए थे। तो रहने के स्थान पे, रेलवे में, परिवहन में, हर जगह पे दिख रहा था कि सामान्य जनजीवन में भी श्वेत नस्लवाद है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसे, रेलवे में, निवास स्थान में, परिवहन में, जो और लिखना, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, श्वेत व्यक्ति पर भार, श्वेत व्यक्ति पर भार लिखिए। इस विचारधारा के तहत, इसी को बोलते हैं सिविलाइजी मिशन, इस विचारधारा के तहत सभ्य बनाने का मिशन इसे बोलते हैं, इस विचारधारा के तहत औपनिवेशिक शासन को नवीन नाम प्रदान करने का दृष्टिकोण था। इस विचारधारा में औपनिवेशिक शासन को नवीन नाम प्रदान करने का दृष्टिकोण था। इसके तहत शासन की वैधता को स्थापित करने का दृष्टिकोण था। इसके तहत शासन की वैधता स्थापित करने का दृष्टिकोण था। इसके तहत शासन की वैधता स्थापित करने का दृष्टिकोण था। इसके तहत शासन की वैधता स्थापित करने का दृष्टिकोण है। ये लाइन समझ में आई, है ना, वो अपने शासन को यहाँ पर आवश्यक बताना चाहते थे कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, आप असभ्य लोग हो, सीखो हमसे कुछ चीज़ें, रहन सहन सीखो, खान पान सीखो, पहनावा सीखो, वेशभूषा सीखो, बातचीत करना सीखो, कैसे रहते हो तुम लोग मिट्टी में, है ना, तो वो सारी चीज़ें सिखाने आए थे वो हमें, वो ये बताना चाहते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से शासन की वैधता स्थापित करने का दृष्टिकोण था। ब्रिटिश शासक वर्ग ने यह विचार प्रस्तुत किया कि ब्रिटिश शासन में भारत में काफी प्रगति हुई है। ब्रिटिश शासन में भारत की काफी प्रगति हुई है। जैसे रेलवे, सड़क, नवीन शिक्षा प्रणाली, बंदरगाह विकास, जैसे रेलवे, सड़क, नई शिक्षा प्रणाली, बंदरगाह इत्यादि, इन्होंने अंग्रेजों से पूर्व
मुगल शासन से, अंग्रेजों से पूर्व मुगल शासन से ब्रिटिश काल की तुलना भी प्रस्तुत की। ब्रिटिश काल की तुलना भी प्रस्तुत की और ब्रिटिश काल के विकास को स्वर्णिम रंगों में प्रस्तुत किया और ब्रिटिश काल के विकास को स्वर्णिम रंगों में प्रस्तुत किया। मुगल काल से किसी के दिमाग में कांग्रेस तो नहीं आ रही? मुगल काल के विकास को इन्होंने से तुलना प्रस्तुत की और ब्रिटिश काल के विकास को स्वर्णिम रंगों में प्रस्तुत किया। वस्तुतः अंग्रेजों के इस विचारधारात्मक बदलाव ने, अंग्रेजों के इस विचारधारात्मक बदलाव ने भारत में, अंग्रेजों के इस विचारधारात्मक बदलाव ने भारत में, विचारधारात्मक बदलाव में भारत में सामाजिक सुधार की नीति को भी विकसित किया। सामाजिक सुधार की नीति को भी विकसित किया। सामाजिक सुधार की नीति को भी विकसित किया। इस समय ही अब देखो यहां पे समझने का प्रयास करते, कौन सी विचारधारा है, क्या चाहते हैं ये लोग? भारत के अतीत और परंपराओं का संरक्षण चाहते हैं। कोई सुधार हुआ कि नहीं हुआ? होगा कि नहीं होगा? होगा। सुधार नहीं किया। इस समय सुधार होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा हुआ, इसी समय सुधार हुआ। इसके बाद सुधार बंद। फिर से मैंने चीज लिखवाई है ना, कि सुधार करने की कोई इनकी मंशा नहीं थी। क्यों? अभी चाहते थे कि भारत फिर से ना कोई क्रांति हो जाए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव जब देखा इन्होंने कि लोग अब विद्रोह करना फिर से शुरू कर चुके हैं, वो भारत छोड़ो आंदोलन तक की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर से सुधार चालू कर दिए। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको भी। विचारधारा के प्रथम चरण में प्रथम चरण कब से कब तक है? कुछ छूटा हुआ क्या, कहीं से मैंने छोड़ दिया क्या? इस समय विचारधारा के प्रथम चरण में प्रथम चरण की अवधि लिख लीजिएगा 1772 से 1813। विचारधारा के प्रथम चरण में कोई प्राच्यवादियों के प्रभाव के कारण कोई प्रमुख सुधार नहीं हुए। विचारधारा के दूसरे चरण में आंग्लवादियों के प्रभाव से मुख्य सुधार हुए। जैसे सती प्रथा की समाप्ति 1829 में एक्ट आया था, शारदा एक्ट। जैसे सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, दास प्रथा की समाप्ति, नरबलि और शिशुवध की समाप्ति, विधि संहिताओं का निर्माण, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब बनती है ना आगे चल के, इंडियन पैनल कोड 1860 में आया, विधि संहिताओं का निर्माण, डलहौजी के द्वारा सशक्त शासन व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास आदि प्रमुख हैं।
दूसरा चरण कहाँ से कहाँ तक था? 1813 से 1857 तक। ठीक है, नेक्स्ट। विचारधारा के तीसरे चरण में, विचारधारा के तीसरे चरण में 1858 से 1905 तक कोई सुधार नहीं हुआ। अठारह सौ अंठावन से उन्नीस सौ पाँच तक कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि इस दौरान प्रजातीय श्रेष्ठता पर बल प्रदान किया गया। इस समय प्रजातीय श्रेष्ठता पर बल प्रदान किया गया तथा 1857 की पुनरावृत्ति से बचा गया तथा 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति से बचा गया तथा 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति से बचा गया 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति से बचा गया चौथे चरण में, चौथा चरण नहीं, माफ कीजिएगा, तीसरे चरण के अंत में, तीसरे चरण के अंत में 1905 से 1947 तक, तीसरे चरण के अंत में 1905 से 1947 तक राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव में, राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव में प्रमुख सुधारों को फिर से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव में प्रमुख सुधारों को फिर से प्रारंभ किया गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, राजधानी परिवर्तन इसी दौरान हुआ है ना, दिल्ली की राजधानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को उपाधियां बांटनी शुरू कर दी गई। बहुत सारे 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेंफोर सुधार आया, तो ये सब जो है उसी दौरान की देन है। नेक्स्ट, ये हो गए आपके लगभग लगभग जितनी भी चीज़ें मुझे पढ़ानी थी लगभग लगभग हो गई हैं। एक इनकी अंतिम नीति है, पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। कितना पढ़ोगे इतिहास में? एनालिसिस करने पे जाएंगे तो बहुत एनालिसिस है, ये सब विश्लेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये फैक्ट भी है, फैक्ट के साथ साथ अप्रोचेस को ऊपर से देखना होता है। चलो एक और अंतिम लिख लो, बस ख़त्म। इसके बाद अंतिम लिखिए प्रश्न नीति, प्रश्न नीति, प्रश्न नीति, प्रेस 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 प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र है ना, प्रश्न नीति। प्रश्न नीति में क्या क्या था देखो, शुरू से लेके अंत तक प्रेस के विरोधी रहे, यही है प्रश्न नीति, खत्म है ना। बहुत सारे एक्ट बनाते रहे, जैसे ही देखते थे इनके विरोध में कोई लिखना चालू तुरंत उसका विरोध है ना, तो प्रेस नीति हमेशा। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, इसमें 4, 6, 7 पॉइंट लिखवा देता हूँ, खत्म बात। लिखिए पहला पॉइंट, शुरुआती चरण से ही, अंग्रेज प्रेस के प्रति विरोधी रहे। शुरुआती चरण से ही अंग्रेज प्रेस के प्रति विरोधी दृष्टिकोण रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप, दूसरा पॉइंट जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर विशिष्ट अधिनियम, और नियम लाए गए। इस प्रकार पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था 1799 का प्रेस अधिनियम। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के पश्चात
ब्रिटिश शासन, प्रेस नीति, प्रेस नीति के तहत मुखर रूप से विरोधी हो गया। प्रेस नीति के तहत मुखर रूप से विरोधी हो गया। अगला पॉइंट, अठारह सौ सत्तर के दशक में राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों के उदय और राष्ट्रवादी प्रेस के उदय और ब्रिटिश सरकार के लिए नवीन चुनौतियों के परिणाम स्वरूप वर्नाकुलर प्रेसेक्ट मातृभाषा से जुड़े हुए जितने भी अखबार थे उनको सेंसरशिप कर दी गई, बंद करने की बात कही गई। चुनौतियों के परिणाम स्वरूप वर्नाकुलर प्रेसेक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया, जिसके तहत भारतीय स्थानीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अठारह सौ पचासी में कांग्रेस की स्थापना हुई और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से राष्ट्रीय चुनौतियों को विकसित करने में प्रेस का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौतियों को विकसित करने में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए प्रेस के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए न्यूज़पेपर एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आदि पारित किए गए। कालांतर में समय समय पर विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इंडियन प्रेस एक्ट 1931 तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आदि पारित किए गए, जो भारत में समाचार पत्रों पर निरंतर प्रतिबंध बनाए रखे, जो लगातार समाचार पत्रों पर निरंतर प्रतिबंध बनाए रखा। ये हो गया आपकी प्रेस नीति, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ का नाम आप सबने सुना है,
ये वो आदमी था जिसने समाचार पत्रों को प्रतिबंध मुक्त किया था। वैसे ये काम लॉर्ड रिपिन करने वाला था, लेकिन लॉर्ड रिपिन से पहले ही है ना उसने ये काम को किया 1800, और लॉर्ड लिटन के बाद चार्ल्स मेटकाफ ने काम किया। रिपिन ने उसको लेकर पूरा कानून बना दिया था, लेकिन जैसे ही रिपिन गया वैसे ही मेटकाफ ने काम किया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है जो कि आसान सा है। अब अपना पूरा का पूरा घटना चक्र आपके पास है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बुक्स में एक दो और बता रहा हूँ आपको, मैंने एक बताई थी बी एल ग्रोवर की बुक, जिसको पढ़ने को मैंने आपसे कहा था कि इसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी बुक है एक शेखर बंदोपाध्याय की आती है, जिसको पढ़ना हो बहुत अच्छी बुक है, मज़ा आ जाएगा इतिहास पढ़ने पे। शेखर बंदोपाध्याय की पूरी एनालिसिस पे बुक है, अलग अलग टॉपिक दिए गए, उसमें ऐसा इतिहास नहीं पढ़ेंगे जैसा कि मिलता है आमतौर पे। आपको इन सभी किताबों से मिलके स्पेक्ट्रम की एक भी एक आती है मोटी सी बुक, आप उसे भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी बुक है। तो हमें क्या करना है कि बहुत जगहों से पॉइंट इकट्ठा करके अपना एक खुद का मास्टर नोट क्रिएट करना है जो एग्जाम के टाइम काम बकाएगा। फैक्चुअल डेटा के लिए घटना चक्र इनफ है, उसमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा दिया गया है, उससे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बी एल ग्रोवर एनसीईआरटी मैंने आपको सेल्फ स्टडी पे बता रखा है आधुनिक भारत की, इसको आपको कंप्लीट करना है, और बाकी आपका काम है। अब जो पढ़ा दिया गया इसे रिवाइज करिए और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए जो कि आपको काम आएंगे, ठीक है। किसी को कोई तब भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के, तो मुझसे मिल सकता है। एक सुझाव और दूंगा, ऐसी ऐतिहासिक मानचित्रावली आती है स्पेक्ट्रम की, ऐतिहासिक मानचित्रावली सबके पास होना चाहिए, और उसमें आधुनिक भारत का जितना भी सेक्शन है, जहाँ जहाँ पे जो प्लेसेस हैं, सब प्लेसेस दिखाए गए हैं उसमें, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसको लेकर के आप एक बार मैपिंग कर लीजिएगा कि कहाँ पर क्या है, ठीक। जब प्राचीन भारत करेंगे तो प्राचीन भारत की मैपिंग अलग है, मेडिवल इंडिया की मैपिंग अलग है, और आधुनिक भारत की मैपिंग अलग है, ठीक है ना। चलो, किसी को तब भी कुछ लगता है कि कोई टॉपिक क्या है, क्या बचा, कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप मुझसे मिल सकते हो। वैसे लगभग मैंने ज़्यादा ही करा दिया है, कम कुछ नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई टॉपिक ऐसा बचता है वो आप कर लीजिएगा। 50 सोर्स हैं, ज़्यादा जिसको पढ़ना हो, जिसको लगता है कि बहुत पढ़ना हो, तो मुझसे इग्नू की बुकलेट्स ले सकता है, पीडीएफ फॉर्म पे मेरे पास सारी हैं, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा बहुत जल्द, ठीक है। चलो।